अपने पैसे कमाने की जर्नी को स्टार्ट करो हाई बॉक्स के साथ। मिस्ट्री बॉक्सेस के अंदर जो आइटम्स हैं, उनका प्राइस हमेशा मिस्ट्री बॉक्सेस के प्राइस से हायर रहेगा। हाई बॉक्स ऐप पर जो पेमेंट गेटवे अवेलेबल है, आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अपना पेमेंट मेथड चूज कर सकते हैं। चलिए अब हम मिस्ट्री बॉक्स को परचेज करते हैं और मिस्ट्री बॉक्स को ओपन करते हैं और कोई ऐसा आइटम निकल जाता है जिससे आप सेटिस्फाई नहीं है तो आप रीसेल बटन पर क्लिक कर उसको रीसेल कर सकते हैं। हाई बॉक्स की गारंटी है हमेशा रीसेल का प्राइस ज्यादा ही रहेगा जिस पर आपने मिस्ट्री बॉक्स को परचेज करा था। रीसेल करने के बाद आपको मिलता है लकी ड्रॉ, आप जीत सकते हैं आईफोन, मैकबुक, एलवी बैग एंड कैश रिवॉर्ड्स। मेरा कैश निकल गया, अब मैं इसको क्लेम कर लेता हूँ। रीसेल किया हुआ रिवॉर्ड आप 24 घंटे बाद क्लेम कर सकते हैं। मैंने इन्वेस्ट करे थे 300 रूपए, जिसमें डेली प्रॉफिट मेरा 16 रूपए का हो रहा है और मंथली प्रॉफिट होगा 480 रूपए का। जितना ज्यादा आप रीसेल करोगे उतना ज्यादा आप अर्न कर पाओगे। तो आज ही अपनी अर्निंग की जर्नी को स्टार्ट कीजिए हाई बॉक्स के साथ। मूवी कैसी लगी भूत विक्की कौशल की? ठीक है, बहुत अच्छा है, स्टोरी अच्छा है, वी आर वेटिंग फॉर द सेकंड पार्ट। अच्छा, ये किस पार्ट में कौन सा आपको सबसे ज्यादा पार्ट लगा? जंप स्केयर्स बहुत अच्छे थे, हाफ द टाइम तो मैंने अपनी आंखें बंद ही रखी थी लेकिन कभी कभी देख रहा था, जंप स्केयर्स मुझे बहुत अच्छे लगे। ओके, सो ये हॉरर फिल्म है, कितनी डरावनी लगी आपको? आउट ऑफ 10 इफ यू आस्क, आई विल रेट इट 8। So, कैसी लगी आपको फिल्म भूत? बहुत अच्छी मूवी, काफी अच्छी थी, काफी अच्छा मतलब हॉरर स्टोरी अच्छा ग्रेड गया था, एकदम जैसा लग रहा था कि हॉलीवुड जैसा फील आ रहा था, काफी अच्छा हॉरर था मतलब। Okay. We enjoyed a lot. आपको कैसी लगी? अच्छी थी मैम, काफी स्टोरी बिल्डअप अच्छा था, सीन्स भी अच्छे थे। सिर्फ मतलब स्टोरी काफ़ी अच्छी, स्टोरी बिल्ड लाइन काफ़ी अच्छी थी, ऐसा कुछ नहीं था कि भाई सिर्फ हॉरर ही क्रिएटेड है, पूरा डिपिक्ट किया था, एक एक सीन को अच्छे से क्रिएटेड किया था, बाकी काफ़ी अच्छी मूवी है, सबको देखना चाहिए। मूवी पढ़ने का और विक्की कौशल की परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ, वो कितना पसंद आया आपको इस फिल्म? काफ़ी अच्छा था, विक्की कौशल ऑफकोर्स बेस्ट एक्टर है, उरी थी उनकी, काफ़ी अच्छी मूवीज थी, विक्की कौशल इज बेस्ट, सुपर एक्टिंग थी उनकी। भूमि पेडनेकर का इतना रोल नहीं था बट जितना भी था अच्छा था, अच्छी एक्टिंग, नाइस। आपको कितना पसंद आया? बहुत अच्छा था मैम, हम लोग तो विक्की के फैन हैं तो उनकी मूवी तो देखनी होती है और ये मूवी तो सबको देखनी चाहिए। ओके, अगर बात करूँ इस फिल्म की तो कौन सा पार्ट आप लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आया? हॉरर सीन्स काफी सारे थे तो क्लाइमेक्स 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 वाज द बेस्ट। चलिए, ओके, आउट ऑफ 5 स्टार कितने दोगे? 4.5। थैंक यू, कम कम हां, रोल है, चलो उसको बोलना। हां, सर आपको मूवी कैसी लगी विक्की कौशल की? बहुत अच्छी, अच्छी आपको पसंद आई? ये हां पसंद आई, पसंद। अगर उनकी परफॉर्मेंस के बाद में बात करूं तो वो कितना पसंद आया? के बारे में तो कुछ बोलना ही नहीं है ना, वो बहुत अच्छे है, अच्छे एक्टर है, अच्छे एक्टर है। मूवी पढ़ने का कितनी पसंद आई इसमें? तो छोटा ही रोल है ना उनका, तो जितना है उतने में अच्छी है। ओके, आज ही के दिन में सुमंगल ज्यादा सावधान भी रिलीज हो रहा है, सो ऑडियंस को क्या ज्यादा पसंद आएगी, भूत या फिर सुमंगल ज्यादा सावधान? नहीं, अभी अपने पे, सब अपने अपने पे। ओके, तो आप 5 में से कितना स्टार दे रहे हैं? 4। इसे 2 मिनट। सो भूत मूवी कैसी लगी विक्की कौशल? अच्छी थी, काफी अच्छी थी, नया एक्सपीरियंस था। आपको कैसी लगी? वैसे तो हमारे कॉलेज का बंदा है इसलिए हम फर्स्ट डे क्वेश्चन देखने आए। ओके, और स्क्रिप्ट अच्छी थी, नॉर्मल से बहुत ज्यादा अच्छी थी। जो एक्सपेक्ट कर रहे थे इस फिल्म से, अपने एक्सपेक्टेशन पे ये खड़ी उतरी? हां जी, मतलब थोड़ा अलग एक्सपेक्ट कर रहे थे हॉरर जॉनर में, बॉलीवुड में ऐसा बना नहीं है, अच्छा था, स्टोरी टेलिंग अच्छा था। ओके, अगर बात करूँ हॉरर जॉनर की तो कितनी डरावनी लगी आपको? अप टू द मार्क नहीं, लेकिन हाँ कुछ हद तक। नहीं, अगर आप हॉलीवुड के साथ कंपेयर करेंगे तो नहीं, अच्छी नहीं है, लेकिन बॉलीवुड में अच्छी है और विक्की कौशल कुछ अलग ट्राई कर रहा है तो वो देखने के लिए मजा आता है। उनकी एक्टिंग पसंद आई और काफी सटल है, बहुत 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 सटल है। भूमि पटनेकर का स्पेशल अपीयरेंस है, सो उतना उनको स्क्रीनिंग नहीं है लेकिन वो गाना भी बहुत अच्छा है चन्ना का। सो कौन सा पार्ट पसंद आया इस फिल्म का? इस फिल्म का छोटा सा सीक्वेंस होता है जब शिप पे एक चल के आता है बंदा, वो बहुत सही सीक्वेंस है, स्पॉइलर नहीं देना चाहता लेकिन वो बहुत सही सीक्वेंस है। आप बताओ, उसकी एक्टिंग पसंद है बहुत ज्यादा। तो 5 में से आप कितना स्टार दोगे इस फिल्म को? 3.5। आप 4। थैंक यू। सो वो फिल्म कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी मूवी थी। आपको अच्छी मूवी थी? अगर स्टोरी की बात करूँ वो कितना पसंद आया, कितनी डरावनी लगी? डरावनी नहीं लगी, मतलब बहुत नहीं थी बट अच्छी, डरा मतलब बॉलीवुड के हिसाब से तो अच्छी थी, मतलब ज्यादातर बस रिफ्लेक्सेस पे खेल रहे थे बट ऐसा कुछ स्केरी इतना नहीं था, बट अच्छा था स्टोरी, अच्छा। तो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आपको मिला? हाँ काइंड ऑफ, हाँ मतलब सही था, बोर नहीं हुआ, दोस्तों के साथ आए थे तो अच्छा ही था। विक्की कौशल की परफॉर्मेंस के बारे में क्या बताना चाहेंगे? विक्की कौशल की परफॉर्मेंस तो अच्छी होती है, मतलब
strong emotions. He's one of the best actors who can convey it. So, अच्छा था. उसका रोल ज़्यादा था नहीं, but ठीक है जितना था. Direction wise ये movie पसंद आई आपको? हाँ अच्छा. हाँ direction. Okay, so audience को कौन सी movie ज़्यादा पसंद आई कि भूत या फिर शुभ मंगल ज़्यादा सावधान आज ही release हुई है? शायद शुभ मंगल ज़्यादा सावधान, मतलब अगर उस type का crowd हो तो. हाँ. अगर पांच में से कितने star दोगे? 3.5. 3.5. So ma'am, how was the movie? The movie was great. It's great to see Bollywood entering the horror genre, and I think it was a good watch. What about the stories and direction? The storyline was, I think, good. They did a pretty decent job, and the direction also was good. What about Vicky Kaushal's performance? Vicky Kaushal's performance was amazing, but I won't say that he should leave other genres to enter horror, like completely horror. Someone just asked me about it. So I think he did a great job. He did what he does best. But yeah, that's about it. Which part do you like the most in horror? I think, horror-wise, I like the scene where the girl vanishes. There is this scene where the girl and the guy are entering the ship. It's called Seabird. They're entering the ship and then the girl just vanishes. That was very scary. And there was this scene where the professor holds something and he starts chanting this mantra of sorts. That was very, very funny. I mean, it was a good shot, but it was just funny for us. What about Bhoomi Padukone? She was great, but I wanted to see more of her. I mean, there wasn't enough of her in the movie. So, yeah. Out of 5 stars, I'll give it 3.5. Okay. Achhi movie thi. It's a good watch for an Indian Bollywood horror movie. Kafi achhi thi. Story kitni pasand aayi, jo expect kar rahe the, wo aap mila. Story kafi achhi thi. Uski thriller, bahut moments the where you wait for what's going to happen. So it's quite good. Aur Vicky Kaushal ki performance kitni pasand aayi? Vicky Kaushal की acting बहुत अच्छी थी. It was a very good watch. So 5 में से आप कितने star दें? 4 stars for a horror movie. Thank you. अच्छा आपने भूत movie देखी तो कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी लगी movie सही में बहुत अच्छी थी. Bollywood के standard से तो बहुत ही अच्छी थी. The script was really good. They completed a full circle and like it was good writing, good direction, good acting from Vicky again. Like he was exceptional. Just a few like things that could have been better, like the animation and like the post production stuff. And otherwise, it's a very good movie. Okay, first time Vicky Kaushal is exploring the horror genre. So, how was the performance? I was really surprised that, you know, Vicky Kaushal took up such a genre of movies. But, I mean, he did a very good job and he was amazing. Like I wasn't surprised because I saw him in Uri and like, you know, all those, this thrilling genre and all those are same. So, I knew he could pull it off, but like what he did was exceptionally good. And we expect that from Vicky Kaushal, okay. You know, he's very good. What about Bhoomi Padukone? She didn't have that much of a part in the movie, but whatever it was very good. Yeah, she did an amazing job. She did a good job. I think all the acting part, like even the supporting actors were very good. But the only thing was that they could have done better with the editing and stuff. You know, we like can't expect to do like, but for a Bollywood movie, they went up a notch, definitely. What do you like to say about the background scope and the effect they have given in the movie? No, that is what I said. They could have done better with the editing and the background sound and could have been better. The background sound could have been better. But could have been better. Like what we expect from Hollywood movies, it was not as good. But could have been better. Like there were like lot of parts in the movie in which the scene could have been like much better with good background audio. The script was really good. But you know, most of the parts the audience end up laughing also. Laughing, yeah. I think it was partly because of the audio. But audio, yeah. But I think it was really good. Good experience. It was still very good. The script was exceptional. Okay, I liked how much are you excited for the second part? Yeah, we were surprised that the second part. Yeah, but I think it will be good again if Vicky is there or any other actor. If the script is good, like all half the part is about the script. Script and audio. Script and the thing that is good, then it's obviously it will be a good movie. How much star you like to give out of 5? 3.5, 4. 4. Thanks. Thank you so much. ठीक है, बहुत अच्छा है, स्टोरी अच्छा है, वी आर वेटिंग फॉर द सेकंड पार्ट। अच्छा, ये किस पार्ट में कौन सा आपको सबसे ज्यादा पार्ट लगा? जंप स्केयर्स बहुत अच्छे थे। हाफ द टाइम तो मैंने अपनी आंखें बंद ही रखी थी, लेकिन कभी कभी देख रहा था, जंप स्केयर्स मुझे बहुत अच्छे लगे। ओके, सो ये हॉरर फिल्म है, कितनी डरावनी लगी आपको? आउट ऑफ 10 इफ यू आस्क, आई विल रेट इट 8। So, कैसी लगी आपको फिल्म भूत? बहुत अच्छी थी, मूवी काफी अच्छी थी, काफी अच्छा मतलब हॉरर स्टोरी अच्छा ग्रेड गया था, एकदम ऐसा लग रहा था कि हॉलीवुड जैसा फील आ रहा था, काफी अच्छा हॉरर था मतलब वी एंजॉयड अ लॉट। आपको कैसी लगी? अच्छी थी मैम, काफी स्टोरी बिल्डअप अच्छा था, सीन्स भी अच्छे थे, बढ़िया। आपको कैसी लगी?
सिर्फ मतलब स्टोरी काफ़ी अच्छी, स्टोरी बिल्ड लाइन काफ़ी अच्छी थी, ऐसा कुछ नहीं था कि भाई सिर्फ हॉरर ही क्रिएटेड है, पूरा डिपिक किया था, एक एक सीन को अच्छे से क्रिएटेड किया था, बाकी काफ़ी अच्छी मूवी है, सबको देखना चाहिए। मूवी पढ़ने का और विकी कौशल की परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ, वो कितना पसंद आया आपको इस पे? काफ़ी अच्छा था, विकी कौशल ऑफकोर्स बेस्ट एक्टर है, उरी थी उनकी, काफ़ी अच्छी मूवीज थी, विकी कौशल इज बेस्ट, सुपर एक्टिंग थी उनकी। भूमि पेडनेकर का इतना रोल नहीं था बट जितना भी था अच्छा था, अच्छी एक्टिंग, नाइस। आपको कितना पसंद आया? बहुत अच्छा था मैम। हम लोग तो विकी के फैन हैं तो उनकी मूवी तो देखनी होती है और ये मूवी तो सबको देखनी चाहिए। ओके, अगर बात करूँ इस फिल्म की तो कौन सा पार्ट आप लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आया? हॉरर सीन्स काफी सारे थे तो क्लाइमैक्स 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 वाज द बेस्ट। चलिए ओके, आउट ऑफ 5 स्टार कितने दोगे? 4.5 4.5 4। थैंक यू। कम कम हां रोल कम पूछते रहो ना। हां ओके, तो सर आपको मूवी कैसी लगी विकी कौशल की? बहुत अच्छी अच्छी। आपको पसंद आई? हाँ पसंद आई, पसंद। अगर उनकी परफॉर्मेंस के बाद में बात करूँ तो वो कितना पसंद आया? उनके बारे में तो कुछ बोलना ही नहीं है ना, वो बहुत अच्छे हैं, अच्छे एक्टर हैं। अच्छे एक्टर हैं। मूवी पढ़ने का कितनी पसंद आई इसमें? तो छोटा ही रोल है ना उनका, तो जितना है उतने में अच्छी है। ओके, आज ही के दिन में शुभ मंगल ज्यादा सावधान भी रिलीज हो रहा है, सो ऑडियंस को क्या ज्यादा पसंद आएगी, भूत या फिर शुभ मंगल ज्यादा सावधान? बोला नहीं अभी, अपने पे सब अपने अपने पे। ओके, तो आप 5 में से कितना स्टार देंगे? 4। So, भूत मूवी कैसी लगी विकी कौशल? अच्छी थी, काफी अच्छी थी, नया एक्सपीरियंस था। आपको कैसी लगी? वैसे तो हमारे कॉलेज का बंदा है इसलिए हम फर्स्ट डे क्वेश्चन देखने आए। ओके, और स्क्रिप्ट अच्छी थी, नॉर्मल से बहुत ज्यादा अच्छी थी। जो एक्सपेक्ट कर रहे थे इस फिल्म से, अपने एक्सपेक्टेशन पे ये खड़ी उतरी? हाँ जी, मतलब थोड़ा अलग एक्सपेक्ट कर रहे थे, हॉरर जॉनर में, बॉलीवुड में ऐसा बना नहीं है, अच्छा था, स्टोरी टेलिंग अच्छा था। ओके, अगर बात करूँ हॉरर जॉनर की तो कितनी डरावनी लगी आपको? अप टू द मार्क नहीं, लेकिन हाँ कुछ हद तक। नहीं, अगर आप हॉलीवुड के साथ कंपेयर करेंगे तो नहीं अच्छी नहीं है, लेकिन बॉलीवुड में अच्छी है, और विक्की कौशल कुछ अलग ट्राई कर रहा है तो वो देखने के लिए मजा आता है। उनकी एक्टिंग पसंद आई और काफी सटल, बहुत 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 सटल है। भूमि पटनेकर का स्पेशल अपीयरेंस है, सो उतना उनको स्क्रीनिंग नहीं है, लेकिन वो गाना भी बहुत अच्छा है चन्ना का। सो कौन सा पार्ट पसंद आया इस फिल्म का? इस फिल्म का छोटा सा सीक्वेंस होता है जब शिप पे एक चल के आता है बंदा, वो बहुत सही सीक्वेंस है, स्पॉइलर नहीं देना चाहता, लेकिन वो बहुत सही। उसकी एक्टिंग पसंद है बहुत ज्यादा। तो 5 में से आप कितना स्टार दोगे इस फिल्म को? 3.5। आप? 4। थैंक यू। बहुत अच्छी मूवी थी। आपको अच्छी मूवी थी? अगर स्टोरी की बात करूँ वो कितना पसंद आया? कितनी डरावनी लगी? डरावनी नहीं लगी, मतलब बहुत नहीं थी बट अच्छी, डरा मतलब बॉलीवुड के हिसाब से तो अच्छी थी, मतलब ज्यादातर बस रिफ्लेक्सेस पे खेल रहे थे बट ऐसा कुछ स्केरी इतना नहीं था, बट अच्छा था स्टोरी, अच्छा। जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आपसे मिला? हाँ काइंड ऑफ, हाँ मतलब सही था, बोर नहीं हुआ, दोस्तों के साथ आए थे तो अच्छा ही था। विकी कौशल की परफॉर्मेंस तो अच्छी होती है, मतलब स्ट्रॉन्ग इमोशंस, ही इज वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स हु कैन कन्वे इट, सो अच्छा था। भूमि पेडनेकर कितनी पसंद आई इस फिल्म में? उसका रोल ज्यादा था नहीं बट ठीक है, जितना था उतना। डायरेक्शन वाइज ये मूवी पसंद आई आपको? हां डायरेक्शन। ओके, सो ऑडियंस को कौन सी मूवी ज्यादा पसंद आएगी, भूत या फिर शुभ मंगल ज्यादा सावधान? आज ही रिलीज हुई है, शायद शुभ मंगल ज्यादा सावधान, मतलब अगर उस टाइप का क्राउड हो तो। हां अगर 5 में से कितने स्टार दोगे? 3.5 So, ma'am, how was the movie? The movie was great. It's great to see Bollywood entering the horror genre, and I think it was a good watch. What about the stories and direction? The storyline was, I think, good. They did a pretty decent job, and the direction also was good. What about Vicky Kaushal's performance? Vicky Kaushal's performance was amazing, but I won't say that he should leave other genres to enter horror, like completely horror. Someone just asked me about it. So, I think he did a great job. He did what he does best. But yeah, that's about it. Which part do you like the most in the film? I think, horror wise, I like the scene where the girl vanishes. There is this scene where the girl and the guy are entering the ship. It's called Seabird. They're entering the ship and then the girl just vanishes. That was very scary. And there was this scene where the professor holds something and he starts chanting this mantra of sorts. That was very, very funny. It was a good shot, but it was just funny for us. What about Bhoomi Padnekar? She was great, but I wanted to see more of her. I mean, there wasn't enough of her in the movie. So, yeah. Out of 5 stars, how much? I'll give it 3.5. Thank you. Okay.
अच्छी मूवी थी, इट्स अ गुड वॉच फॉर एन इंडियन बॉलीवुड हॉरर मूवी, काफी अच्छी थी। स्टोरी कितनी पसंद आई जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आप? स्टोरी काफी अच्छी थी उसकी, थ्रिलर बहुत मोमेंट्स थे, यू वेट फॉर व्हाट्स गोना हैपन, सो इट्स क्वाइट गुड। और विकी कौशल की परफॉर्मेंस कितनी पसंद? विकी कौशल की एक्टिंग बहुत अच्छी थी, इट वॉज अ वेरी गुड वॉच। फोर स्टार्स फॉर अ हॉरर मूवी। थैंक यू। आपने भूत मूवी देखी तो कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी लगी मूवी, मूवी सही में बहुत अच्छी थी, बॉलीवुड के स्टैंडर्ड से तो बहुत ही अच्छी थी। द स्क्रिप्ट वॉज रियली गुड, दे कम्प्लीटेड अ फुल सर्कल एंड लाइक इट वॉज गुड राइटिंग, गुड डायरेक्शन, गुड एक्टिंग फ्रॉम विकी अगेन, लाइक ही वॉज एक्सेप्शनल। जस्ट फ्यू लाइक थिंग्स दैट कुड हैव बीन बेटर, लाइक द एनिमेशन एंड लाइक द पोस्ट प्रोडक्शन स्टफ। And otherwise, it's a very good movie. Okay, first time Vicky Kaushal is exploring the horror genre. So, how was the performance? I was really surprised that, you know, Vicky Kaushal took up such a genre of movies. But, I mean, he did a very good job. And he was amazing. Like, actually, I wasn't surprised because I saw him in Uri. And like, you know, all those, this thrilling genre and all those are same. So, I knew he could pull it off. But like, what he did was exceptionally good. And we expect that from Vicky Kaushal. Okay. You know, he's very good. What about Bhoomi Pendulkar? She didn't have that much of a part in the movie, but whatever it was very good. She did a good job. I think all the acting part, like even the supporting actors were very good. But the only thing was that they could have done better with the editing and stuff. You know, we like can't expect to do, like, but for a Bollywood movie, they went up a notch, definitely. What do you like to say about the background scope and the impact they have given in the movie? No, that is what I said. They could have done better with the editing and the background sound, and could have been better. The background sound could have been better. But could have been better. Like what we expect from Hollywood movies, it was not as good, but could have been better. Like, there were like lot of parts in the movie in which the scene could have been like much better with good background audio. The script was really good. But you know, most of the parts the audience end up laughing. Laughing, yeah. I think it was partly because of the audio. But audio, yeah. But I think it was really good. Good experience. It was still very good. The script was exceptional. Okay, how much are excited for the second part? Yeah, we were surprised the second part. Yeah, but I think it will be good again if Vicky is there or any other actor. Basically, if the script is good, like all, half the part is about the script. Script and audio for a horror movie. Thing that is good, then it's obviously it will be a good movie. Yeah. How much star you like to give out of 5? 3.5, 4. Thank you so much. कैसी लगी भूत विकी कौशल की? ठीक है, बहुत अच्छा है, स्टोरी अच्छा है, वी आर वेटिंग फॉर द सेकंड पार्ट। अच्छा, ये किस पार्ट में कौन सा आपको सबसे ज्यादा पार्ट लगा? जंप स्केयर्स बहुत अच्छे थे, हाफ द टाइम तो मैंने अपनी आंखें बंद ही रखी थी, लेकिन कभी कभी देख रहा था, जंप स्केयर्स मुझे बहुत अच्छे लगे। ओके, सो ये हॉरर फिल्म है, कितनी डरावनी लगी आपको? आउट ऑफ 10 इफ यू आस्क, आई विल रेट इट 8। So, कैसी लगी आपको फिल्म भूत? बहुत अच्छी मूवी, काफी अच्छी थी, काफी अच्छा, मतलब हॉरर स्टोरी अच्छा ग्रेड गया था, एकदम जैसा लग रहा था कि हॉलीवुड जैसा फील आ रहा था, काफी अच्छा हॉरर था, मतलब वी एंजॉयड अ लॉट। आपको कैसी लगी? अच्छी थी मैम, काफी स्टोरी बिल्डअप अच्छा था, सीन्स भी अच्छे थे, बढ़िया। सिर्फ मतलब स्टोरी काफ़ी अच्छी, स्टोरी बिल्ड लाइन काफ़ी अच्छी थी, ऐसा कुछ नहीं था कि भाई सिर्फ हॉरर ही क्रिएटेड है, पूरा डिपिक्ट किया था, एक एक सीन को अच्छे से क्रिएटेड किया था, बाकी काफ़ी अच्छी मूवी है, सबको देखना चाहिए। भूमि पेडनेकर और विकी कौशल की परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ, वो कितना पसंद आया आपको इस फिल्म? काफ़ी अच्छा था, विकी कौशल ऑफकोर्स बेस्ट एक्टर है, उरी थी उनकी, काफ़ी अच्छी मूवीज थी, विकी कौशल इज बेस्ट, सुपर एक्टिंग थी उनकी। भूमि पेडनेकर का इतना रोल नहीं था, बट जितना भी था अच्छा था, अच्छी एक्टिंग, नाइस। आपको कितना पसंद आया? बहुत अच्छा था मैम। हम लोग तो विकी के फैन हैं, तो उनकी मूवी तो देखनी होती है, और ये मूवी तो सबको देखनी चाहिए। ओके, अगर बात करूँ इस फिल्म की, तो कौन सा पार्ट आप लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आया? हॉरर सीन्स काफी सारे थे, तो क्लाइमेक्स क्लाइमेक्स वाज द बेस्ट। चलिए, ओके, आउट ऑफ 5 स्टार कितने दोगे? 4.5 4.5 4। थैंक यू। कम रोल कम पूछो ना। हां, सर आपको मूवी कैसी लगी विकी कौशल की? बहुत अच्छी अच्छी आपको पसंद आई? हाँ, पसंद आई। अगर उनकी परफॉर्मेंस के बाद बात करूँ तो वो कितना पसंद आया? उनके बारे में तो कुछ बोलना ही नहीं है ना, वो बहुत अच्छे अच्छे एक्टर है। अच्छा, तो छोटा ही रोल है ना उनका, तो जितना है उतने में अच्छी है। आज ही के दिन में शुभ मंगल ज्यादा सावधान भी रिलीज हो रहा है, सो ऑडियंस को क्या ज्यादा पसंद आएगी, भूत या फिर शुभ मंगल ज्यादा सावधान? बोला नहीं अभी, अपने पे सब अपने अपने पे। ओके, सो आप 5 में से कितना स्टार देंगे? 4। So, मूवी कैसी लगी विकी कौशल? अच्छी थी, काफी अच्छी थी, नया एक्सपीरियंस था।
आपको कैसे लगी? वैसे तो हमारे कॉलेज का बंदा है इसलिए हम फर्स्ट डे फर्स्ट देखने आए और स्क्रिप्ट अच्छी थी, नॉर्मल से बहुत ज्यादा अच्छी थी। जो एक्सपेक्ट कर रहे थे इस फिल्म से, अपने एक्सपेक्टेशन पे ये खड़ी हुई थी? हाँ जी, मतलब थोड़ा अलग एक्सपेक्ट कर रहे थे, हॉरर जॉनर में बॉलीवुड में ऐसा बना नहीं है। अच्छा था स्टोरी टेलिंग, अच्छा था। ओके, अगर बात करूँ हॉरर जॉनर की तो कितनी डरावनी लगी आपको? अप टू द मार्क नहीं, लेकिन हाँ कुछ हद तक। नहीं, अगर आप हॉलीवुड के साथ कंपेयर करेंगे तो नहीं अच्छी नहीं, नहीं है, लेकिन बॉलीवुड में अच्छी है। और विक्की कौशल कुछ अलग ट्राई कर रहा है तो वो देखने के लिए मजा आता है। उनकी एक्टिंग पसंद आई और काफी सटल है, बहुत 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 सटल है। भूमि पटनिक का स्पेशल अपीयरेंस है, सो उतना उनको स्क्रीनिंग नहीं है, लेकिन वो गाना भी बहुत अच्छा है चन्ना का। सो कौन सा पार्ट पसंद आया इस फिल्म का? इस फिल्म का छोटा सा सीक्वेंस होता है जब शिप पे एक चल के आता है बंदा, वो बहुत सही सीक्वेंस है। स्पॉइलर नहीं देना चाहता, लेकिन वो बहुत सही सीक्वेंस है। आप बताओ उसकी एक्टिंग पसंद है बहुत ज्यादा। तो 5 में से आप कितना स्टार दोगे इस फिल्म को? 3.5। आप 4। थैंक यू। बहुत अच्छी मूवी थी, अच्छी मूवी थी। अगर स्टोरी की बात करूँ वो कितना पसंद आया, कितनी डरावनी लगी? डरावनी नहीं लगी, मतलब बहुत नहीं थी, बट अच्छी डरा, मतलब बॉलीवुड के हिसाब से तो अच्छी थी। मतलब ज्यादातर बस रिफ्लेक्सेस पे खेल रहे थे, बट ऐसा कुछ स्केरी इतना नहीं था, बट अच्छा था स्टोरी, अच्छा। जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आपको मिला? हाँ काइंड ऑफ, हाँ मतलब सही था, बोर नहीं हुआ, दोस्तों के साथ आए थे तो अच्छा ही था। विकी कौशल की परफॉर्मेंस तो अच्छी होती है, मतलब स्ट्रॉन्ग इमोशंस, ही इज वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स हु कैन कन्वे इट, सो अच्छा था। उसका रोल ज्यादा था नहीं, बट ठीक है जितना था उतना। डायरेक्शन वाइज ये मूवी पसंद आई आपको? हां अच्छा, हां डायरेक्शन। ओके, सो ऑडियंस को कौन सी मूवी ज्यादा पसंद आएगी, भूत या फिर शुभमंगल ज्यादा सावधान? आज ही रिलीज हुई है, शायद शुभमंगल ज्यादा सावधान, मतलब अगर उस टाइप का क्राउड हो तो। हां, अगर 5 में से कितना स्टार दोगे? 3.5 सो मैम, हाउ वाज द मूवी? The movie was great. It's great to see Bollywood entering the horror genre, and I think it was a good watch. What about the stories and direction? The storyline was, I think, good. They did a pretty decent job, and the direction also was good. What about Vicky Kaushal's performance? Vicky Kaushal's performance was amazing, but I wouldn't say that he should leave other genres to enter horror, like completely horror. Someone just asked me about it. So I think he did a great job. He did what he does best. But yeah, that's about it. Which part do you like the most in the movie? I think, horror-wise, I like the scene where the girl vanishes. There is this scene where the girl and the guy are entering the ship. It's called Seabird. They're entering the ship and then the girl just vanishes. That was very scary. And there was this scene where the professor holds something and he starts chanting this mantra of sorts. That was very, very funny. I mean, it was a good shot, but it was just funny for us. What about Bhoomi Padnekar? She was great, but I wanted to see more of her. I mean, there wasn't enough of her in the movie. So, yeah. Out of 5 stars, I'll give it 3.5. Okay. Achhi movie thi. It's a good watch for an Indian Bollywood horror movie. Kafi achhi thi. Story kitni pasand aayi, jo expect kar rahe the wo aapko mila? Story kafi achhi thi. Uski thriller, bahut moments the where you wait for what's going to happen. So it's quite good. Aur Vicky Kaushal ki performance kitni pasand aayi? विकी कौशल की एक्टिंग बहुत अच्छी थी, इट वॉज अ वेरी गुड वॉच। फोर स्टार्स फॉर अ हॉरर मूवी। थैंक यू। आपने भूत मूवी देखी तो कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी लगी मूवी, मूवी सही में बहुत अच्छी थी, बॉलीवुड के स्टैंडर्ड से तो बहुत ही अच्छी थी। द स्क्रिप्ट वॉज रियली गुड, दे कम्प्लीटेड अ फुल सर्कल एंड लाइक इट वॉज गुड राइटिंग, गुड डायरेक्शन, गुड एक्टिंग फ्रॉम विकी अगेन, लाइक ही वॉज एक्सेप्शनल। जस्ट फ्यू लाइक थिंग्स दैट कुड हैव बीन बेटर, लाइक द एनिमेशन एंड लाइक द पोस्ट प्रोडक्शन स्टफ। And otherwise, it's a very good movie. Okay, first up, Vicky Kaushal is exploring the horror genre. So, how was the performance? I was really surprised that, you know, Vicky Kaushal took up such a genre of movies. But, he did a very good job. And he was amazing. Like actually, I wasn't surprised because I saw him in Uri. And like, you know, all those, this thrilling genre and all those are same. So, I knew he could pull it off. But like, what he did was exceptionally good. And we expect that from Vicky Kaushal. Okay. You know, he's very good. What about Bhoomi Padnekar? She didn't have that much of a part in the movie, but whatever it was very good. Yeah, she did an amazing job. She did a good job. I think all the acting part, like even the supporting actors were very good. But the only thing was that they could have done better with the editing and stuff. You know, we like can't expect to do like, but for a Bollywood movie, they went up a notch, definitely. What do you like to say about the background score and the effect they have given in the movie?
You know, that is what I said. Ki they could have done better with the editing and the background sound and could have been better. The background sound could have been better. But could have been better. Like what we expect from Hollywood movies, it was not as good. But could have been better. Like, there were like lot of parts in the movie in which the scene could have been like much better with good background audio. The script was really good. But you know, most of the parts the audience end up laughing also. Laughing, yeah. I think it was partly because of the audio. But audio, yeah. But I think it was really good. Good experience. It was still very good. The script was exceptional. Okay, I liked how much are you excited for the second part? Yeah, we were surprised that the second part. Yeah, but I think it will be good again if Vicky is there or any other actor. If the basically if the script is good, like all half the part is about the script. Script and audio for a horror movie. Thing that is good, then it's obviously it will be a good movie. Yeah. How much star you like to give out of 5? 3.5, 4. Thanks. Thank you so much. मूवी कैसी लगी भूत विकी कौशल की? ठीक है, बहुत अच्छा है, स्टोरी अच्छा है, वी आर वेटिंग फॉर द सेकंड पार्ट। अच्छा, ये किस पार्ट में कौन सा आपको सबसे ज्यादा पार्ट लगा? जंप स्केयर्स बहुत अच्छे थे, हाफ द टाइम तो मैंने अपनी आंखें बंद ही रखी थी, लेकिन कभी कभी देख रहा था, जंप स्केयर्स मुझे बहुत अच्छे लगे। ओके, सो ये हॉरर फिल्म है, कितनी डरावनी लगी आपको? आउट ऑफ 10 इफ यू आस्क, आई विल रेट इट 8। So, कैसी लगी आपको फिल्म भूत? बहुत अच्छी थी, मूवी काफी अच्छी थी, काफी अच्छा मतलब हॉरर स्टोरी अच्छा ग्रेड गया था, एकदम ऐसा लग रहा था कि हॉलीवुड जैसा फील आ रहा था, काफी अच्छा हॉरर था मतलब वी एंजॉयड अ लॉट। आपको कैसी लगी? अच्छी थी मैम, काफी स्टोरी बिल्डअप अच्छा था, सीन्स भी अच्छे थे, बढ़िया। सिर्फ मतलब स्टोरी काफ़ी अच्छी, स्टोरी बिल्ड लाइन काफ़ी अच्छी थी, ऐसा कुछ नहीं था कि भाई सिर्फ हॉरर ही क्रिएटेड है, पूरा डिपिक किया था, एक एक सीन को अच्छे से क्रिएटेड किया था, बाकी काफ़ी अच्छी मूवी है, सबको देखना चाहिए। मूवी पटनेकर और विकी कौशल की परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ, वो कितना पसंद आया आपको इस फिल्म? काफ़ी अच्छा था, विकी कौशल ऑफकोर्स बेस्ट एक्टर है, उरी थी उनकी, काफ़ी अच्छी मूवीज थी, विकी कौशल इज बेस्ट, सुपर एक्टिंग थी उनकी। भूमि पेडनेकर का इतना रोल नहीं था, बट जितना भी था अच्छा था, अच्छी एक्टिंग, नाइस। आपको कितना पसंद आया? बहुत अच्छा था मैम, हम लोग तो विकी के फैन हैं, तो उनकी मूवी तो देखनी होती है और ये मूवी तो सबको देखनी चाहिए। ओके, अगर बात करूँ इस फिल्म की, तो कौन सा पार्ट आप लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आया? हॉरर सीन्स काफी सारे थे, तो क्लाइमेक्स 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 वाज द बेस्ट। चलिए, ओके, आउट ऑफ 5 स्टार कितने दोगे? 4.5 4.5 4। थैंक यू, कम कम हां, रोल कम कुछ तो ना। हां, ओके, तो सर आपको मूवी कैसी लगी विकी कौशल की? अच्छी अच्छी आपको पसंद आई? हाँ, पसंद आई, पसंद। अगर उनकी परफॉर्मेंस के बाद में बात करूँ, तो वो कितना पसंद आया? के बारे में तो कुछ बोलना ही नहीं है ना, वो बहुत अच्छे है, अच्छे एक्टर है, अच्छे एक्टर है। मूवी पटनेकर कितनी पसंद आई इसमें? तो छोटा ही रोल है ना उनका, तो जितना है उतने में अच्छी है। ओके, आज ही के दिन में शुभ मंगल ज्यादा सावधान भी रिलीज हो रहा है, सो ऑडियंस को क्या ज्यादा पसंद आएगी, भूत या फिर शुभ मंगल ज्यादा सावधान? बोला नहीं अभी, अपने पे सब अपने अपने पे। ओके, तो आप 5 में से कितना स्टार देते हैं? 4। अच्छी थी, काफी अच्छी थी, नया एक्सपीरियंस था। आपको कैसी लगी? वैसे तो हमारे कॉलेज का बंदा है, इसलिए हम फर्स्ट डे क्वेश्चन देखने आए, और स्क्रिप्ट अच्छी थी, नॉर्मल से बहुत ज्यादा अच्छी थी। जो एक्सपेक्ट कर रहे थे इस फिल्म से, अपने एक्सपेक्टेशन पे ये खड़ी उतरी? हाँ जी, मतलब थोड़ा अलग एक्सपेक्ट कर रहे थे, हॉरर जॉनर में बॉलीवुड में ऐसा बना नहीं है, अच्छा था, स्टोरी टेलिंग अच्छा था। ओके, अगर बात करूँ हॉरर जॉनर की, तो कितनी डरावनी लगी आपको? अप टू द मार्क नहीं, लेकिन हाँ कुछ हद तक। नहीं, अगर आप हॉलीवुड के साथ कंपेयर करेंगे तो नहीं, अच्छी नहीं है, लेकिन बॉलीवुड में अच्छी है, और विक्की कौशल कुछ अलग ट्राई कर रहा है, तो वो देखने के लिए मजा आता है। उनकी एक्टिंग पसंद आई और काफी सटल, बहुत 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 सटल है, भूमि पटनेकर का स्पेशल अपीयरेंस है, सो उतना उनको स्क्रीनिंग नहीं है, लेकिन वो गाना भी बहुत अच्छा है चन्ना का। सो कौन सा पार्ट पसंद आया इस फिल्म का? इस फिल्म का छोटा सा सीक्वेंस होता है जब शिप पे एक चल के आता है बंदा, वो बहुत सही सीक्वेंस है, स्पॉइलर नहीं देना चाहता, लेकिन वो बहुत सही सीक्वेंस है। आप बताओ, उसकी एक्टिंग पसंद है बहुत ज्यादा। तो 5 में से आप कितना स्टार दोगे इस फिल्म को? 3.5। आप? 4। थैंक यू। बहुत अच्छी मूवी थी, अच्छी मूवी थी। अगर स्टोरी की बात करूँ, वो कितना पसंद आया, कितनी डरावनी लगी? डरावनी नहीं लगी, मतलब बहुत नहीं थी, बट अच्छी मतलब बॉलीवुड के हिसाब से तो अच्छी थी, मतलब ज्यादातर बस रिफ्लेक्सेस पे खेल रहे थे, बट ऐसा कुछ स्केरी इतना नहीं था, बट अच्छा था स्टोरी, अच्छा। जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आपको मिला? हाँ, काइंड ऑफ, हाँ, मतलब सही था, बोर नहीं हुआ, दोस्तों के साथ आए थे तो अच्छा ही था। विकी कौशल की परफॉर्मेंस के बारे में क्या बताना चाहेंगे? विकी कौशल की परफॉर्मेंस तो अच्छी होती है, मतलब
strong emotions. He is one of the best actors who can convey it. So, अच्छा था. Okay, धूमिल पेड़नेकर कितनी पसंद आई इस फिल्म में? उसका रोल ज़्यादा था नहीं, but ठीक है जितना था. डायरेक्शन वाइज ये मूवी पसंद आई आपको? हाँ अच्छा. हाँ डायरेक्शन. ओके सो ऑडियंस को कौन सी मूवी ज़्यादा पसंद आएगी, भूत या फिर शुभमंगल ज़्यादा सावधान? आगे रिलीज हुई है शायद शुभमंगल ज़्यादा सावधान, मतलब अगर उस टाइप का क्राउड हो तो. हाँ अगर पाँच में से कितने स्टार दोगे? 3.5 So ma'am, how was the movie? The movie was great. It's great to see Bollywood entering the horror genre, and I think it was a good watch. What about the stories and direction? The storyline was, I think, good. They did a pretty decent job, and the direction also was good. What about Vicky Kaushal's performance? Vicky Kaushal's performance was amazing, but I won't say that he should leave other genres to enter horror, like completely horror. Someone just asked me about it. So I think he did a great job. He did what he does best. But yeah, that's about it. Which part do you like the most in horror? I think, horror-wise, I like the scene where the girl vanishes. There is this scene where the girl and the guy are entering the ship. It's called Seabird. They're entering the ship and then the girl just vanishes. That was very scary. And there was this scene where the professor holds something and he starts chanting this mantra of sorts. That was very, very funny. I mean, it was a good shot, but it was just funny for us. What about Bhoomi Padmanabhan? She was great, but I wanted to see more of her. I mean, there wasn't enough of her in the movie. So, yeah. Out of 5 stars, I'll give it 3.5. Okay. अच्छी movie थी. It's a good watch for an Indian Bollywood horror movie. काफी अच्छी थी. Story कितनी पसंद आई, जो expect कर रहे थे वो आप मिला? Story काफी अच्छी थी. उसकी thriller बहुत moments थे where you wait for what's going to happen. So it's quite good. और Vicky Kaushal की performance कितनी पसंद? Vicky Kaushal की acting बहुत अच्छी थी. It was a very good watch. So 5 में से आप कितने star दें? 4 stars for a horror movie. Thank you. अच्छा आपने भूत मूवी देखी तो कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी लगी मूवी. मूवी सही में बहुत अच्छी थी. बॉलीवुड के स्टैंडर्ड से तो बहुत ही अच्छी थी. द स्क्रिप्ट वॉज रियली गुड. दे कम्प्लीटेड अ फुल सर्कल एंड लाइक इट वॉज गुड राइटिंग, गुड डायरेक्शन, गुड एक्टिंग फ्रॉम विकी अगेन. लाइक ही वॉज एक्सेप्शनल. जस्ट फ्यू लाइक थिंग्स दैट कुड हैव बीन बेटर, लाइक द एनिमेशन एंड लाइक द पोस्ट प्रोडक्शन स्टफ. And otherwise, it's a very good movie. Okay, first time Vicky Kaushal is exploring the horror genre. So, how was the performance? I was really surprised that, you know, Vicky Kaushal took up such a genre of movies. But, he did a very good job. And he was amazing. Like actually, I wasn't surprised because I saw him in Uri. And like, you know, all those, this thrilling genre and all those are same. So, I knew he could pull it off. But like, what he did was exceptionally good. And we expect that from Vicky Kaushal. Okay. You know, he's very good. What about Bhoomi Padmanabhan? She didn't have that much of a part in the movie, but whatever it was very good. Yeah, she did amazing. Yeah, she did a good job. I think all the acting part, like even the supporting actors were very good. But the only thing was that they could have done better with the editing and stuff. You know, we like can't expect to do, like, but for a Bollywood movie, they went up a notch, definitely. What do you like to say about the background scope and the impact they have given in the movie? No, that is what I said. They could have done better with the editing and the background sound, and could have been better. The background sound could have been better. But could have been better. Like what we expect from Hollywood movies, it was not as good, but could have been better. Like there were like lot of parts in the movie in which the scene could have been like much better with good background audio. The script was really good. But you know, most of the parts the audience end up laughing. Laughing, yeah. I think it was partly because of the audio. But audio, yeah. But I think it was really good. Good experience. It was still very good. The script was exceptional. Okay, how much are excited for the second part? Yeah, we were surprised the second part. Yeah, but I think it will be good again if Vicky is there or any other actor. If the script is good, like all half the part is about the script. Script, yeah. And if audio script for and a horror movie. Thing that is good, then it's obviously it will be a good movie. Yeah. How much star you like to give out of 5? 3.5, 4. Thank you so much. कैसी लगी भूत विकी कौशल की? ठीक है, बहुत अच्छा है. स्टोरी अच्छा है. वी आर वेटिंग फॉर द सेकंड पार्ट. अच्छा, ये किस पार्ट में कौन सा आपको सबसे ज्यादा पार्ट लगा? जंप स्केयर्स बहुत अच्छे थे. हाफ द टाइम तो मैंने अपनी आंखें बंद ही रखी थी, लेकिन कभी कभी देख रहा था. जंप स्केयर्स मुझे बहुत अच्छे लगे. ओके, सो ये हॉरर फिल्म है, कितनी डरावनी लगी आपको? आउट ऑफ 10 इफ यू आस्क, आई विल रेट इट 8. थैंक यू सो मच. रिगार्डिंग भूत, रोलिंग गुड. So, कैसी लगी आपको फिल्म भूत? बहुत अच्छी मूवी, काफी अच्छी थी. काफी अच्छा, मतलब हॉरर स्टोरी अच्छा ग्रेड गया था. एकदम जैसा लग रहा था कि हॉलीवुड जैसा फील आ रहा था. काफी अच्छा हॉरर था, मतलब वी एंजॉयड अ लॉट. आपको कैसी लगी? अच्छी थी मैम, काफी स्टोरी बिल्डअप अच्छा था, सीन्स भी अच्छे थे.
सिर्फ मतलब स्टोरी काफ़ी अच्छी, स्टोरी बिल्ड लाइन काफ़ी अच्छी थी, ऐसा कुछ नहीं था कि भाई सिर्फ हॉरर ही क्रिएटेड है, पूरा डिपिक्ट किया था, एक एक सीन को अच्छे से क्रिएटेड किया था। बाकी काफ़ी अच्छी मूवी है, सबको देखना चाहिए। काफ़ी अच्छा था विकी कौशल, ऑफकोर्स बेस्ट एक्टर है, उरी थी उनकी, काफ़ी अच्छी मूवीज थी। विकी कौशल इज बेस्ट, सुपर एक्टिंग थी उनकी। भूमि पेडनेकर का इतना रोल नहीं था बट जितना भी था अच्छा था, अच्छी एक्टिंग, नाइस। आपको कितना पसंद आया? बहुत अच्छा था मैम। हम लोग तो विकी के फैन हैं तो उनकी मूवी तो देखनी होती है और ये मूवी तो सबको देखनी चाहिए। ओके, अगर बात करूँ इस फिल्म की तो कौन सा पार्ट आप लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आया? हॉरर सीन्स काफी सारे थे तो सारे क्लाइमेक्स वाज द बेस्ट। चलिए ओके, आउट ऑफ 5 स्टार कितने दोगे? 4.5 4। थैंक यू। कम रोल चलो पूछो ना। हां सर, आपको मूवी कैसी लगी विकी कौशल की? बहुत अच्छी है। आपको पसंद आई? हाँ पसंद आई। अगर उनकी परफॉर्मेंस के बाद में बात करूँ तो वो कितना पसंद आया? उनके बारे में तो कुछ बोलना ही नहीं है ना, वो बहुत अच्छे है, अच्छे एक्टर है। अच्छा, तो छोटा ही रोल है ना उनका, तो जितना है उतने में अच्छी है। आज ही के दिन में शुभ मंगल ज्यादा सावधान भी रिलीज हो रहा है, अभी अपने पे सब अपने अपने पे। ओके, आप 5 में से कितना स्टार दे रहे हैं? 4। अच्छी थी, काफी अच्छी थी, नया एक्सपीरियंस था। आपको कैसी लगी? वैसे तो हमारे कॉलेज का बंदा है इसलिए हम फर्स्ट डे क्वेश्चन देखने आए। ओके, और स्क्रिप्ट अच्छी थी, नॉर्मल से बहुत ज्यादा अच्छी थी। जो एक्सपेक्ट कर रहे थे इस फिल्म से, अपने एक्सपेक्टेशन पे ये खड़ी उतरी? हाँ जी, मतलब थोड़ा अलग एक्सपेक्ट कर रहे थे, हॉरर जॉनर में बॉलीवुड में ऐसा बना नहीं है। अच्छा था, स्टोरी टेलिंग अच्छा था। लेकिन हाँ कुछ हद तक नहीं, अगर आप हॉलीवुड के साथ कंपेयर करेंगे तो नहीं अच्छी नहीं है, लेकिन बॉलीवुड में अच्छी है। और विक्की कौशल कुछ अलग ट्राई कर रहा है तो वो देखने के लिए मजा आता है। उनकी एक्टिंग पसंद आई और काफी सटल है, बहुत 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 सटल है। भूमि पेडनेकर का स्पेशल अपीयरेंस है सो उतना उनको स्क्रीनिंग नहीं है, लेकिन वो गाना भी बहुत अच्छा है चन्ना का। सो कौन सा पार्ट पसंद आया इस फिल्म का? इस फिल्म का छोटा सा सीक्वेंस होता है जब शिप पे एक चल के आता है बंदा, वो बहुत सही सीक्वेंस है। स्पॉइलर नहीं देना चाहता लेकिन वो बहुत सही सीक्वेंस है। उसकी एक्टिंग पसंद है बहुत ज़्यादा। 5 में से आप कितना स्टार दोगे इस फिल्म को? 3.5। आप? 4। थैंक यू। बहुत अच्छी मूवी थी। अच्छी मूवी थी। अगर स्टोरी की बात करूँ वो कितना पसंद आया? कितनी डरावनी लगी? डरावनी नहीं लगी, मतलब बहुत नहीं थी बट अच्छी, डरा मतलब बॉलीवुड के हिसाब से तो अच्छी थी। मतलब ज्यादातर बस रिफ्लेक्सेस पे खेल रहे थे बट ऐसा कुछ स्कैरी इतना नहीं था, बट अच्छा था स्टोरी। अच्छा, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आपको मिला? हाँ काइंड ऑफ, हाँ मतलब सही था, बोर नहीं हुआ, दोस्तों के साथ आए थे तो अच्छा ही था। विकी कौशल की परफॉर्मेंस तो अच्छी होती है, मतलब strong emotions, he is one of the best actors who can convey it, so acha tha। okay, bhumi pednekar kitni pasand aayi is film mein? uska role zyada tha nahi but theek hai jitna tha utna। direction wise ye movie pasand aayi aapko? ha acha, ha direction। okay, so audience ko kaun si movie zyada pasand aayi, ki bhoot ya fir shubh mangal zyada saavdhan? aaj hi release hui hai shayad shubh mangal zyada saavdhan, matlab agar us type ka crowd ho to। ha agar 5 mein se kitne star doge? 3.5 se 3.5। So ma'am, how was the movie? The movie was great. It's great to see Bollywood entering the horror genre and I think it was a good watch. What about the stories and direction? The storyline was, I think, good. They did a pretty decent job and the direction also was good. What about Vicky Kaushal's performance? Vicky Kaushal's performance was amazing, but I wouldn't say that he should leave other genres to enter horror, like completely horror. Someone just asked me about it. So I think he did a great job. He did what he does best. But yeah, that's about it. Which part do you like the most in the film? I think, horror-wise, I like the scene where the girl vanishes. There is this scene where the girl and the guy are entering the ship. It's called Seabird. They're entering the ship and then the girl just vanishes. That was very scary. And there was this scene where the professor holds something and he starts chanting this mantra of sorts. That was very, very funny. I mean, it was a good shot, but it was just funny for us. What about Bhoomi Pednekar? She was great, but I wanted to see more of her. I mean, there wasn't enough of her in the movie. So, yeah. Out of 5 stars, how much? I'll give it 3.5. Thank you. Okay.
अच्छी मूवी थी, इट्स अ गुड वॉच फॉर एन इंडियन बॉलीवुड हॉरर मूवी, काफी अच्छी थी। स्टोरी कितनी पसंद आई, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आप मिला? स्टोरी काफी अच्छी थी, उसकी थ्रिलर बहुत मोमेंट्स थे, यू वेट फॉर व्हाट्स गोना हैपन, सो इट्स क्वाइट गुड। और विकी कौशल की परफॉर्मेंस कितनी पसंद आई? विकी कौशल की एक्टिंग बहुत अच्छी थी, इट वॉज अ वेरी गुड वॉच। फोर स्टार्स फॉर अ हॉरर मूवी। थैंक यू। आपने भूत मूवी देखी तो कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी लगी मूवी, मूवी सही में बहुत अच्छी थी, बॉलीवुड के स्टैंडर्ड से तो बहुत ही अच्छी थी। द स्क्रिप्ट वॉज रियली गुड, दे कम्प्लीटेड अ फुल सर्कल एंड लाइक इट वॉज गुड राइटिंग, गुड डायरेक्शन, गुड एक्टिंग फ्रॉम विकी अगेन, लाइक ही वॉज एक्सेप्शनल। जस्ट फ्यू लाइक थिंग्स दैट कुड हैव बीन बेटर, लाइक द एनिमेशन एंड लाइक द पोस्ट प्रोडक्शन स्टफ, एंड अदरवाइज इट्स अ वेरी गुड मूवी। ओके, फर्स्ट ऑफ विकी कौशल एक्सप्लोरिंग द हॉरर जॉनर, सो हाउ वाज हिज परफॉर्मेंस? आई वॉज रियली सरप्राइज्ड दैट यू नो विकी कौशल टुक अप सच अ जॉनर ऑफ मूवीज, but I mean he did a very good job and he was amazing, like actually I wasn't surprised because I saw him in Uri and like you know all those this thrilling genre and all those are same, so I knew he could pull it off, but like what he did was exceptionally good and we expect that from Vicky Kaushal. Okay. You know he's very good. What about Bhoomi Pednekar? She did not that much of a part in the movie, but whatever it was very good. She did a good job. I think all the acting part, like even the supporting actors were very good. But the only thing was that they could have done better with the editing and stuff, you know, we like can't expect to like, but for a Bollywood movie they went up a notch, definitely. What do you like to say about the background scope and the effect they have given in the movie? No, that is what I said, they could have done better with the editing and the background sound and could have been better. The background score could have been better. But could have been better, like what we expect from Hollywood movies, it was not as good. But it could have been better. Like, there were like lot of parts in the movie in which the scene could have been like much better with good background audio. The script was really good. But you know, most of the parts the audience end up laughing also. Laughing, yeah. I think it was partly because of the audio. But audio, yeah. But I think it was really good. Good experience. It was still very good. The script was exceptional. Okay, I liked how much are you excited for the second part? Yeah, we were surprised the second part. Yeah, but I think it will be good again if Vicky is there or any other actor. If the script is good, like all half the part is about the script. Script yeah. and if audio script for and a horror movie. Thing that is good, then it's obviously it will be a good movie. How much star you like to give out of 5? 3.5, 4. Thank you so much. मूवी कैसी लगी भूत विकी कौशल की? ठीक है, बहुत अच्छा है, स्टोरी अच्छा है, वी आर वेटिंग फॉर द सेकंड पार्ट। अच्छा, ये किस पार्ट में कौन सा आपको सबसे ज्यादा पार्ट लिए? जंप स्केयर्स बहुत अच्छे थे, हाफ द टाइम तो मैंने अपनी आंखें बंद ही रखी थी, लेकिन कभी कभी देख रहा था, जंप स्केयर्स मुझे बहुत अच्छे लगे। ओके, सो ये हॉरर फिल्म है, कितनी डरावनी लगी आपको? आउट ऑफ 10 इफ यू आस्क, आई विल रेट इट 8। थैंक यू। रिगार्डिंग भूत, सो कैसी लगी आपको फिल्म भूत? बहुत अच्छी थी मूवी, काफी अच्छी थी, काफी अच्छा मतलब हॉरर स्टोरी अच्छा ग्रेड गया था, एकदम ऐसा लग रहा था कि हॉलीवुड जैसा फील आ रहा था, काफी अच्छा हॉरर था, मतलब वी एंजॉयड अ लॉट। आपको कैसी लगी? अच्छी थी मैम, काफी स्टोरी बिल्डअप अच्छा था, सीन्स भी अच्छे थे। सिर्फ मतलब स्टोरी काफ़ी अच्छी, स्टोरी बिल्ड लाइन काफ़ी अच्छी थी, ऐसा कुछ नहीं था कि भाई सिर्फ हॉरर ही क्रिएटेड है, पूरा डिपिक किया था, एक एक सीन को अच्छे से क्रिएटेड किया था, बाकी काफ़ी अच्छी मूवी है, सबको देखना चाहिए। भूमि पेडनेकर और विकी कौशल की परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ, वो कितना पसंद आया आपको इस पे? काफ़ी अच्छा था, विकी कौशल ऑफकोर्स बेस्ट एक्टर है, उरी थी उनकी, काफ़ी अच्छी मूवीज थी, विकी कौशल इज बेस्ट, सुपर एक्टिंग थी उनकी। भूमि पेडनेकर का इतना रोल नहीं था, बट जितना भी था अच्छा था, अच्छी एक्टिंग, नाइस। आपको कितना पसंद आया? बहुत अच्छा था मैम, हम लोग तो विकी के फैन हैं, तो उनकी मूवी तो देखनी होती है और ये मूवी तो सबको देखनी चाहिए। ओके, अगर बात करूँ इस फिल्म की, तो कौन सा पार्ट आप लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आया? हॉरर सीन्स काफी सारे थे, तो क्लाइमेक्स 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 वाज द बेस्ट। चलिए, ओके, आउट ऑफ 5 स्टार कितने दोगे? 4.5। थैंक यू। कम हां, रोल कर लो, पूछो ना। हां, सर आपको मूवी कैसी लगी विकी कौशल की? अच्छी अच्छी आपको पसंद आई? हाँ, पसंद आई, पसंद। अगर उनकी परफॉर्मेंस के बाद में बात करूँ तो वो कितना पसंद आया? के बारे में तो कुछ बोलना ही नहीं है ना, वो बहुत अच्छे अच्छा अच्छे एक्टर है। अच्छे एक्टर है। बहुत अच्छे एक्टर। कितनी पसंद आई इसमें? तो छोटा ही रोल है ना उनका, तो जितना है उतने में अच्छी है। ओके, आज ही के दिन में शुभ मंगल ज्यादा सावधान भी रिलीज हो रहा है, सो ऑडियंस को क्या ज्यादा पसंद आएगी, भूत या फिर शुभ मंगल ज्यादा सावधान? बोला नहीं अभी, अपने पे सब अपने अपने पे। ओके, तो आप 5 में से कितना स्टार देंगे? 4। अच्छी थी, काफी अच्छी थी, नया एक्सपीरियंस था। आपको कैसी लगी? वैसे तो हमारे कॉलेज का बंदा है, इसलिए हम फर्स्ट डे क्वेश्चन देखने आए। ओके, और स्क्रिप्ट
अच्छी थी, नॉर्मल से बहुत ज़्यादा अच्छी थी। जो एक्सपेक्ट कर रहे थे इस फिल्म से, अपने एक्सपेक्टेशन पे ये खड़ी उतरी? हाँ जी, मतलब थोड़ा अलग एक्सपेक्ट कर रहे थे हॉरर जॉनर में, बॉलीवुड में ऐसा बना नहीं है। अच्छा था स्टोरी टेलिंग, अच्छा था। ओके, अगर बात करूँ हॉरर जॉनर की तो कितनी डरावनी लगी आपको? अप टू द मार्क नहीं, लेकिन हाँ उस हद तक नहीं। अगर आप हॉलीवुड के साथ कंपेयर करेंगे तो नहीं, अच्छी नहीं है, लेकिन बॉलीवुड में अच्छी है। और विक्की कौशल कुछ अलग ट्राई कर रहा है तो वो देखने के लिए मजा आता है। उनकी एक्टिंग पसंद आई और काफी सटल, बहुत 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 सटल है। भूमि पटनी का स्पेशल अपीयरेंस है, सो उतना उनको स्क्रीनिंग नहीं है, लेकिन वो गाना भी बहुत अच्छा है चन्ना का। सो कौन सा पार्ट पसंद आया इस फिल्म का? इस फिल्म का छोटा सा सीक्वेंस होता है जब शिप पे एक चल के आता है बंदा, वो बहुत सही सीक्वेंस है। स्पॉइलर नहीं देना चाहता, लेकिन वो बहुत सही सीक्वेंस है। आप बताओ, उसकी एक्टिंग पसंद है बहुत ज़्यादा। तो 5 में से आप कितना स्टार दोगे इस फिल्म को? 3.5। आप? 4। थैंक यू। सो वो फिल्म कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी मूवी थी। आपको अच्छी मूवी थी? बोर नहीं हुआ, दोस्तों के साथ आए थे तो अच्छा ही था। विकी कौशल की परफॉर्मेंस तो अच्छी होती है, मतलब strong emotions, he is one of the best actors who can convey it, so अच्छा था। okay, भूमि पटनी का कितना पसंद आया इस फिल्म में? उसका रोल ज्यादा था नहीं, बट ठीक है जितना था उतना। डायरेक्शन वाइज ये मूवी पसंद आई आपको? हां अच्छा, हां डायरेक्शन। ओके, सो ऑडियंस को कौन सी मूवी ज्यादा पसंद आएगी, भूत या फिर शुभमंगल ज्यादा सावधान? आज ही रिलीज हुई है, शायद शुभमंगल ज्यादा सावधान, मतलब अगर उस टाइप का क्राउड हो तो। हां, अगर 5 में से कितने स्टार दोगे? 3.5। 3.5। So ma'am, how was the movie? The movie was great. It's great to see Bollywood entering the horror genre, and I think it was a good watch. What about the stories and direction? The storyline was, I think, good. They did a pretty decent job, and the direction also was good. What about Vicky Kaushal's performance? Vicky Kaushal's performance was amazing, but I wouldn't say that he should leave other genres to enter horror, like completely horror. Someone just asked me about it. So I think he did a great job. He did what he does best. But yeah, that's about it. Which part do you like the most in horror? I think, horror wise, I like the scene where the girl vanishes. There is this scene where the girl and the guy are entering the ship. It's called Seabird. They're entering the ship and then the girl just vanishes. That was very scary. And there was this scene where the professor holds something and he starts chanting this mantra of sorts. That was very, very funny. I mean, it was a good shot, but it was just funny for us. What about Bhoomi Patni ka? She was great, but I wanted to see more of her. I mean, there wasn't enough of her in the movie. So, yeah. Out of 5 stars, I'll give it 3.5. Okay. अच्छी movie थी. It's a good watch for an Indian Bollywood horror movie. काफी अच्छी थी. Story कितनी पसंद आई, जो expect कर रहे थे वो आप मिला? Story काफी अच्छी थी. उसकी thriller बहुत moments थे. You wait for what's going to happen, so it's quite good. और Vicky Kaushal की performance कितनी पसंद? विकी कौशल की एक्टिंग बहुत अच्छी थी. इट वाज अ वेरी गुड वॉच. 4 stars फॉर अ हॉरर मूवी. थैंक यू. आपने भूत मूवी देखी तो कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी लगी मूवी. मूवी सही में बहुत अच्छी थी. बॉलीवुड के स्टैंडर्ड से तो बहुत ही अच्छी थी. द स्क्रिप्ट वाज रियली गुड. दे कंप्लीटेड अ फुल सर्कल एंड लाइक इट वाज गुड राइटिंग, गुड डायरेक्शन, गुड एक्टिंग फ्रॉम विकी अगेन. लाइक ही वाज एक्सेप्शनल. जस्ट फ्यू लाइक थिंग्स दैट कुड हैव बीन बेटर, लाइक द एनिमेशन एंड लाइक द पोस्ट प्रोडक्शन स्टफ. And otherwise, it's a very good movie. Okay, first time Vicky Kaushal is exploring the horror genre. So, how was his performance? I was really surprised that, you know, Vicky Kaushal took up such a genre of movies. But, he did a very good job. And he was amazing. Like actually, I wasn't surprised because I saw him in Uri. And like, you know, all those, this thrilling genre and all those are same. So, I knew he could pull it off. But like, what he did was exceptionally good. And we expect that from Vicky Kaushal. Okay. You know, he's very good. What about Bhoomi Patni? She didn't have that much of a part in the movie, but whatever it was very good. Yeah, she did an amazing job. She did a good job. I think all the acting part, like even the supporting actors were very good. But the only thing was that they could have done better with the editing and stuff. You know, we like can't expect to do like, but for a Bollywood movie, they went up a notch, definitely. What would you like to say about the background scope and the effect they have given in the movie? No, that is what I said. They could have done better with the editing and the background sound, and could have been better. The background it was good. Could have been better, but could have been better. Like what we expect from Hollywood movies, it was not as good.
but could have been better. Like, there were like lot of parts in the movie in which the scene could have been like much better with good background audio. The script was really good. But you know, most of the parts the audience end up laughing. Laughing, yeah. I think it was partly because of the audio. But audio, yeah. But I think it was really good. Good experience. It was still very good. The script was exceptional. Okay, I how much you are excited for the second part? Yeah, we were surprised the second part. Yeah, but I think it will be good again if Vicky is there or any other actor. If the script is good, like all, half the part is about the script. Script, yeah. And if audio script for and a horror movie. Thing that is good, then it's obviously it will be a good movie. Yeah. How much star you like to give out of 5? 3.5, 4. 4. Thank you so much. मूवी कैसी लगी भूत विकी कौशल की? ठीक है, बहुत अच्छा है, स्टोरी अच्छा है. वी आर वेटिंग फॉर द सेकंड पार्ट. अच्छा, ये किस पार्ट में कौन सा आपको सबसे ज्यादा पार्ट लगा? जंप स्केयर्स बहुत अच्छे थे. हाफ द टाइम तो मैंने अपनी आंखें बंद ही रखी थी, लेकिन कभी कभी देख रहा था, जंप स्केयर्स मुझे बहुत अच्छे लगे. ओके, सो ये हॉरर फिल्म है, कितनी डरावनी लगी आपको? आउट ऑफ 10 इफ यू आस्क, आई विल रेट इट 8. थैंक यू सो मच. So, कैसी लगी आपको फिल्म भूत? बहुत अच्छी मूवी, काफी अच्छी थी, काफी अच्छा मतलब हॉरर स्टोरी अच्छा ग्रेड गया था. एकदम ऐसा लग रहा था कि हॉलीवुड जैसा फील आ रहा था. काफी अच्छा हॉरर था, मतलब वी एंजॉयड अ लॉट. आपको कैसी लगी? अच्छी थी मैम, काफी स्टोरी बिल्डअप अच्छा था, सीन्स भी अच्छे थे. सिर्फ मतलब स्टोरी काफ़ी अच्छी, स्टोरी बिल्ड लाइन काफ़ी अच्छी थी. ऐसा कुछ नहीं था कि भाई सिर्फ हॉरर ही क्रिएटेड है, पूरा डिपिक्ट किया था, एक एक सीन को अच्छे से क्रिएटेड किया था. बाकी काफ़ी अच्छी मूवी है, सबको देखना चाहिए. मूवी पढ़ने का और विकी कौशल की परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ, वो कितना पसंद आया आपको इस फिल्म? काफ़ी अच्छा था. विकी कौशल ऑफकोर्स बेस्ट एक्टर है, उरी थी उनकी, काफ़ी अच्छी मूवीज थी. विकी कौशल इज बेस्ट, सुपर एक्टिंग थी उनकी. भूमि पेडनेकर का इतना रोल नहीं था, बट जितना भी था अच्छा था. अच्छी एक्टिंग, नाइस. आपको कितना पसंद आया? बहुत अच्छा था मैम. हम लोग तो विकी के फैन हैं, तो उनकी मूवी तो देखनी होती है, और ये मूवी तो सबको देखनी चाहिए. ओके, अगर बात करूँ इस फिल्म की, तो कौन सा पार्ट आप लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आया? हॉरर सीन्स काफी सारे थे, तो खूब सारे. क्लाइमेक्स वाज द बेस्ट. चलिए, ओके, आउट ऑफ 5 स्टार कितने दोगे? 4.5. थैंक यू. कम रोल चलो पूछते हो ना. हां, सर आपको मूवी कैसी लगी विकी कौशल की? अच्छी अच्छी. आपको पसंद आई? हाँ, पसंद आई, पसंद. अगर उनकी परफॉर्मेंस के बाद में बात करूँ, तो वो कितना पसंद आया? उनके बारे में तो कुछ बोलना ही नहीं है ना, वो बहुत अच्छे हैं, अच्छे एक्टर हैं. अच्छे एक्टर हैं. मूवी पढ़ने का कितनी पसंद आई इसमें? तो छोटा ही रोल है ना उनका, तो जितना है उतने में अच्छी है. ओके, आज ही के दिन में सुमंगल ज्यादा सावधान भी रिलीज हो रहा है, सो ऑडियंस में क्या ज्यादा पसंद आएगी, भूत या फिर सुमंगल ज्यादा सावधान? बोला नहीं अभी, अपने पे सब अपने अपने पे. ओके, तो आप पार्ट में से कितना स्टार दे रहे हैं? 4. अच्छी थी, काफी अच्छी थी, नया एक्सपीरियंस था. आपको कैसी लगी? वैसे तो हमारे कॉलेज का बंदा है, इसलिए हम फर्स्ट डे फर्स्ट देखने आए. और स्क्रिप्ट अच्छी थी, नॉर्मल से बहुत ज्यादा अच्छी थी. जो एक्सपेक्ट कर रहे थे इस फिल्म से, अपने एक्सपेक्टेशन पे ये खड़ी हुई थी? हाँ जी, मतलब थोड़ा अलग एक्सपेक्ट कर रहे थे हॉरर जॉनर में, बॉलीवुड में ऐसा बना नहीं है. अच्छा था, स्टोरी टेलिंग अच्छा था. अगर बात करूँ हॉरर जॉनर की, तो कितनी डरावनी लगी आपको? अप टू द मार्क नहीं, लेकिन हाँ कुछ हद तक. नहीं, अगर आप हॉलीवुड के साथ कंपेयर करेंगे तो नहीं, अच्छी नहीं है, लेकिन बॉलीवुड में अच्छी. और विक्की कौशल कुछ अलग ट्राई कर रहा है, तो वो देखने के लिए मजा आता है. उनकी एक्टिंग पसंद आई और काफी सटल, बहुत 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 सटल है. भूमि पटनेकर का स्पेशल अपीयरेंस है, सो उतना उनको स्क्रीनिंग नहीं है, लेकिन वो गाना भी बहुत अच्छा है चन्ना में. सो कौन सा पार्ट पसंद आया इस फिल्म का? इस फिल्म का छोटा सा सीक्वेंस होता है, जब शिप पे एक चल के आता है बंदा, वो बहुत सही सीक्वेंस है. स्पॉइलर नहीं देना चाहता, लेकिन वो बहुत सही सीक्वेंस है. उसकी एक्टिंग पसंद है बहुत ज़्यादा. तो 5 में से आप कितना स्टार दोगे इस फिल्म को? 3.5. आप? 4. थैंक यू सो मच. बहुत अच्छी मूवी थी. आपको अच्छी मूवी थी? खेल रहे थे, बट ऐसा कुछ स्कैरी इतना नहीं था, बट अच्छा था स्टोरी. अच्छा, हाँ मतलब सही था, बोर नहीं हुआ, दोस्तों के साथ आए थे तो अच्छा ही था. विकी कौशल की परफॉर्मेंस तो अच्छी होती है, मतलब strong emotions, he is one of the best actors who can convey it, so acha tha. Okay, bhumi pendnekar kitni pasand aayi is film mein? Uska role zyada tha nahi, but theek hai, jitna tha utna.
डायरेक्शन वाइज ये मूवी पसंद आई आपको? हाँ डायरेक्शन। ओके सो ऑडियंस को कौन सी मूवी ज्यादा पसंद आएगी, भूत या फिर शुभ मंगल ज्यादा सावधान? आज ही रिलीज हुई है। शायद शुभ मंगल ज्यादा सावधान, मतलब अगर उस टाइप का क्राउड हो तो। हाँ अगर पाँच में से कितना स्टार दोगे? 3.5 So ma'am, how was the movie? The movie was great. It's great to see Bollywood entering the horror genre, and I think it was a good watch. What about the stories and direction? The storyline was, I think, good. They did a pretty decent job, and the direction also was good. What about Vicky Kaushal's performance? Vicky Kaushal's performance was amazing, but I wouldn't say that he should leave other genres to enter horror, like completely horror. Someone just asked me about it. So I think he did a great job. He did what he does best. But yeah, that's about it. Which part do you like the most in horror? I think, horror-wise, I like the scene where the girl vanishes. There is this scene where the girl and the guy are entering the ship. It's called Seabird. They're entering the ship and then the girl just vanishes. That was very scary. And there was this scene where the professor holds something and he starts chanting this mantra of sorts. That was very, very funny. I mean, it was a good shot, but it was just funny for us. What about Bhoomi Padmanabhan? She was great, but I wanted to see more of her. I mean, there wasn't enough of her in the movie. So, yeah. Out of 5 stars, I'll give it 3.5. Okay. Achhi movie thi. It's a good watch for an Indian Bollywood horror movie. Kafi achhi thi. Story kitni pasand aayi, jo expect kar rahe the, wo aap mila. Story kafi achhi thi. Uski thriller, bahut moments the where you wait for what's going to happen. So it's quite good. Aur Vicky Kaushal ki performance kitni pasand? विकी कौशल की एक्टिंग बहुत अच्छी थी। इट वॉज अ वेरी गुड वॉच। फोर स्टार्स फॉर अ हॉरर मूवी। थैंक यू। आपने भूत मूवी देखी तो कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी लगी मूवी। मूवी सही में बहुत अच्छी थी। बॉलीवुड के स्टैंडर्ड से तो बहुत ही अच्छी थी। द स्क्रिप्ट वॉज रियली गुड। दे कम्प्लीटेड अ फुल सर्कल एंड लाइक इट वॉज गुड राइटिंग, गुड डायरेक्शन, गुड एक्टिंग फ्रॉम विकी अगेन। लाइक ही वॉज एक्सेप्शनल। जस्ट फ्यू लाइक थिंग्स दैट कुड हैव बीन बेटर, लाइक द एनिमेशन एंड लाइक द पोस्ट प्रोडक्शन स्टफ। And otherwise, it's a very good movie. Okay, first time Vicky Kaushal is exploring the horror genre. So, how was the performance? I was really surprised that, you know, Vicky Kaushal took up such a genre of movies. But, he did a very good job. And he was amazing. Like actually, I wasn't surprised because I saw him in Uri. And like, you know, all those, this thrilling genre and all those are same. So, I knew he could pull it off. But like, what he did was exceptionally good. And we expect that from Vicky Kaushal. Okay. You know, he's very good. What about Bhoomi Padmanabhan? She didn't have that much of a part in the movie, but whatever it was very good. Yeah, she did an amazing job. Yeah, she did a good job. I think all the acting part, like even the supporting actors were very good. But the only thing was that they could have done better with the editing and stuff. You know, we like can't expect to do like, but for a Bollywood movie, they went up a notch, definitely. What would you like to say about the background scope and the effect they have given in the movie? No, that is what I said. They could have done better with the editing and the background sound, and could have been better. The background sound could have been better. But it could have been better. Like what we expect from Hollywood movies, it was not as good, but it could have been better. Like, there were like lot of parts in the movie in which the scene could have been like much better with good background audio. The script was really good. But you know, most of the parts the audience end up laughing also. Laughing, yeah. I think it was partly because of the audio. But audio, yeah. But I think it was really good. Good experience. It was still and very good. The script was exceptional. Okay, how much are you excited for the second part? Yeah, we were surprised that was the second part. Yeah, but I think it will be good again if Vicky is there or any other actor. If the script is good, like all, half the part is about the script. Script and audio for a horror movie. Thing that is good, then it's obviously it will be a good movie. Yeah. How much star you like to give out of 5? 3.5, 4. Thank you so much. मूवी कैसी लगी भूत विकी कौशल की? ठीक है, बहुत अच्छा है। स्टोरी अच्छा है। वी आर वेटिंग फॉर द सेकंड पार्ट। अच्छा, ये किस पार्ट में कौन सा आपको सबसे ज्यादा पार्ट ये जंप स्केयर्स बहुत अच्छे थे। हाफ द टाइम तो मैंने अपनी आंखें बंद ही रखी थी, लेकिन कभी कभी देख रहा था। जंप स्केयर्स मुझे बहुत अच्छे लगे। ओके, सो ये हॉरर फिल्म है, कितनी डरावनी लगी आपको? आउट ऑफ 10 इफ यू आस्क, आई विल रेट इट 8। So, कैसी लगी आपको फिल्म भूत? बहुत अच्छी थी। मूवी काफी अच्छी थी। काफी अच्छा मतलब हॉरर स्टोरी अच्छा ग्रेड गया था। एकदम ऐसा लग रहा था कि हॉलीवुड जैसा फील आ रहा था। काफी अच्छा हॉरर था, मतलब वी एंजॉयड अ लॉट। आपको कैसी लगी? अच्छी थी मैम, काफी स्टोरी बिल्डअप अच्छा था, सीन्स भी अच्छे थे।
सिर्फ मतलब स्टोरी काफ़ी अच्छी, स्टोरी बिल्ड लाइन काफ़ी अच्छी थी, ऐसा कुछ नहीं था कि भाई सिर्फ हॉरर ही क्रिएटेड है, पूरा डिपिक किया था, एक एक सीन को अच्छे से क्रिएटेड किया था, बाकी काफ़ी अच्छी मूवी है, सबको देखना चाहिए। मूवी पढ़ने का और विकी कौशल की परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ, वो कितना पसंद आया आपको इस फिल्म? काफ़ी अच्छा था, विकी कौशल ऑफकोर्स बेस्ट एक्टर है, उरी थी उनकी, काफ़ी अच्छी मूवीज थी, विकी कौशल इज बेस्ट, सुपर एक्टिंग थी उनकी। भूमि पेडनेकर का इतना रोल नहीं था बट जितना भी था अच्छा था, अच्छी एक्टिंग, नाइस। आपको कितना पसंद आया? बहुत अच्छा था मैम। हम लोग तो विकी के फैन हैं तो उनकी मूवी तो देखनी होती है और ये मूवी तो सबको देखनी चाहिए। ओके, अगर बात करूँ इस फिल्म की तो कौन सा पार्ट आप लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आया? हॉरर सीन्स काफी सारे थे तो क्लाइमेक्स 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 वाज द बेस्ट। चलिए ओके, आउट ऑफ 5 स्टार कितने दोगे? 4.5। थैंक यू। कम कम बारे में तो कुछ बोलना ही नहीं है ना, वो बहुत अच्छे अच्छे एक्टर है, तो छोटा ही रोल है ना उनका, तो जितना है उतने में अच्छी है। आज ही के दिन में सुमंगल ज्यादा सावधान भी रिलीज हो रहा है, सो ऑडियंस को क्या ज्यादा पसंद आएगी, भूत या फिर सुमंगल ज्यादा सावधान? अभी अपने पे सब अपने अपने पे। ओके, तो आप 5 में से कितना स्टार देते हैं? 4। इसे 2 मिनट। सो भूत मूवी कैसी लगी विकी कौशल? अच्छी थी, काफी अच्छी थी, नया एक्सपीरियंस था। आपको कैसी लगी? वैसे तो हमारे कॉलेज का बंदा है इसलिए हम फर्स्ट डे क्वेश्चन देखने आए। ओके, और स्क्रिप्ट अच्छी थी, नॉर्मल से बहुत ज्यादा अच्छी थी। जो एक्सपेक्ट कर रहे थे इस फिल्म से, अपने एक्सपेक्टेशन पे ये खड़ी उतरी? हां जी, मतलब थोड़ा अलग एक्सपेक्ट कर रहे थे हॉरर जॉनर में, बॉलीवुड में ऐसा बना नहीं है, अच्छा था, स्टोरी टेलिंग अच्छा था। ओके, अगर बात करूँ हॉरर जॉनर की तो कितनी डरावनी लगी आपको? अप टू द मार्क नहीं, लेकिन हाँ कुछ हद तक। नहीं, अगर आप हॉलीवुड के साथ कंपेयर करेंगे तो नहीं अच्छी नहीं है, लेकिन बॉलीवुड में अच्छी, और विक्की कौशल कुछ अलग ट्राई कर रहा है तो वो देखने के लिए मजा आता है। उनकी एक्टिंग पसंद आई और काफी सटल है, बहुत 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 सटल है। भूमि पटनेकर का स्पेशल अपीयरेंस है, सो उतना उनको स्क्रीनिंग नहीं है, लेकिन वो गाना भी बहुत अच्छा है चन्ना का। सो कौन सा पार्ट पसंद आया इस फिल्म का? इस फिल्म का छोटा सा सीक्वेंस होता है जब शिप पे एक चल के आता है बंदा, वो बहुत सही सीक्वेंस है, स्पॉइलर नहीं देना चाहता लेकिन वो बहुत सही सीक्वेंस है। आप बताओ, उसकी एक्टिंग पसंद है बहुत ज्यादा। तो 5 में से आप कितना स्टार दोगे इस फिल्म को? 3.5। आप? 4। थैंक यू। सो मूवी कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी मूवी। आपको अच्छी मूवी थी? अगर स्टोरी की बात करूँ वो कितना पसंद आया, कितनी डरावनी लगी? डरावनी नहीं लगी, मतलब बहुत नहीं थी बट अच्छी, मतलब बॉलीवुड के हिसाब से तो अच्छी थी, मतलब ज्यादातर बस रिफ्लेक्सेस पे खेल रहे थे बट ऐसा कुछ स्केरी इतना नहीं था, बट अच्छा था स्टोरी, अच्छा। तो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आपको मिला? हाँ काइंड, हाँ मतलब सही था, बोर नहीं हुआ, दोस्तों के साथ आए थे तो अच्छा ही था। विकी कौशल की परफॉर्मेंस तो अच्छी होती है, मतलब स्ट्रॉन्ग इमोशंस, ही इज वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स हु कैन कन्वे इट, सो अच्छा था। उसका रोल ज्यादा था नहीं बट ठीक है, जितना था उतना। डायरेक्शन वाइज ये मूवी पसंद आई आपको? हां हां, डायरेक्शन। ओके, सो ऑडियंस को कौन सी मूवी ज्यादा पसंद आएगी, भूत या फिर शुभमंगल ज्यादा सावधान? आज ही रिलीज हुई है, शायद शुभमंगल ज्यादा सावधान, मतलब अगर उस टाइप का क्राउड हो तो। हां, अगर 5 में से कितने स्टार दोगे? 3.5। 3.5। सो मैम हाउ वाज द मूवी? The movie was great. It's great to see Bollywood entering the horror genre, and I think it was a good watch. What about the stories and direction? The storyline was, I think, good. They did a pretty decent job, and the direction also was good. What about Vicky Kaushal's performance? Vicky Kaushal's performance was amazing, but I wouldn't say that he should leave other genres to enter horror, like completely horror. Someone just asked me about it, so I think he did a great job. He did what he does best. But yeah, that's about it. Which part do you like the most in horror? I think, horror wise, I like the scene where the girl vanishes. There is this scene where the girl and the guy are entering the ship. It's called Seabird. They're entering the ship and then the girl just vanishes. That was very scary. And there was this scene where the professor holds something and he starts chanting this mantra of sorts. That was very, very funny. It was a good shot, but it was just funny for us. What about Bhoomi Padnekar? She was great, but I wanted to see more of her. I mean, there wasn't enough of her in the movie. So, out of 5 stars, how much? I'll give it 3.5. Thank you. Okay.
अच्छी मूवी थी, इट्स अ गुड वॉच फॉर एन इंडियन बॉलीवुड हॉरर मूवी, काफी अच्छी थी। स्टोरी कितनी पसंद आई, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आप? स्टोरी काफी अच्छी थी, उसकी थ्रिलर बहुत मूवमेंट्स थे, यू वेट फॉर व्हाट्स गोना हैपन, सो इट्स क्वाइट गुड। और विकी कौशल की परफॉर्मेंस कितनी पसंद? विकी कौशल की एक्टिंग बहुत अच्छी थी, इट वॉज अ वेरी गुड वॉच। फोर स्टार्स फॉर हॉरर मूवी, थैंक यू। आपने भूत मूवी देखी तो कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी लगी मूवी, मूवी सही में बहुत अच्छी थी, बॉलीवुड के स्टैंडर्ड से तो बहुत ही अच्छी थी। द स्क्रिप्ट वॉज रियली गुड, दे कम्प्लीटेड अ फुल सर्कल एंड लाइक इट वॉज गुड राइटिंग, गुड डायरेक्शन, गुड एक्टिंग फ्रॉम विकी अगेन, लाइक ही वॉज एक्सेप्शनल। जस्ट फ्यू लाइक थिंग्स दैट कुड हैव बीन बेटर, लाइक द एनिमेशन एंड लाइक द पोस्ट प्रोडक्शन स्टफ। And otherwise, it's a very good movie. Okay, first time Vicky Kaushal is exploring the horror genre. So, how was the performance? I was really surprised that, you know, Vicky Kaushal took up such a genre of movies. But, I mean, he did a very good job. And he was amazing. Like actually, I wasn't surprised because I saw him in Uri. And like, you know, all those, this thrilling genre and all those are same. So, I knew he could pull it off. But like, what he did was exceptionally good. And we expect that from Vicky Kaushal. Okay. You know, he's very good. What about Bhoomi Pednekar? She didn't have that much of a part in the movie, but whatever it was very good. Yeah, she did an amazing job. She did a good job. I think all the acting part, like even the supporting actors were very good. But the only thing was that they could have done better with the editing and stuff, you know. We like can't expect to do, like, but for a Bollywood movie, they went up a notch, definitely. What do you like to say about the background scope and the effect they have given in the movie? No, that is what I said. They could have done better with the editing and the background sound, and could have been better. The background it was good. Could have been better. But could have been better. Like what we expect from Hollywood movies, it was not as good, but could have been better. Like, there were like lot of parts in the movie in which the scene could have been like much better with good background audio. The script was really good. But you know, most of the parts the audience end up laughing. Laughing, yeah. I think it was partly because of the audio. But audio, yeah. But I think it was really good. Good experience. It was still very good. The script was exceptional. Okay, I how much are excited for the second part? Yeah, we were surprised that the second part. Yeah, but I think it will be good again if Vicky is there or any other actor. If the script is good, like all, half the part is about the script. Script and audio for a horror movie. Thing that is good, then it's obviously it will be a good movie. Yeah. How much star you like to give out of 5? 3.5, 4. Thanks. कैसी लगी भूत विकी कौशल की? ठीक है, बहुत अच्छा है, स्टोरी अच्छा है, वी आर वेटिंग फॉर द सेकंड पार्ट। अच्छा, ये किस पार्ट में कौन सा आपको सबसे ज्यादा पार्ट लगा? जंप स्केयर्स बहुत अच्छे थे, हाफ द टाइम तो मैंने अपनी आंखें बंद ही रखी थी, लेकिन कभी कभी देख रहा था, जंप स्केयर्स मुझे बहुत अच्छे लगे। ओके, सो ये हॉरर फिल्म है, कितनी डरावनी लगी आपको? आउट ऑफ 10 इफ यू आस्क, आई विल रेट इट 8। थैंक यू, थैंक्स सो मच। रिगार्डिंग भूत, रोलिंग विद आई एम So, कैसी लगी आपको फिल्म भूत? बहुत अच्छी मूवी, काफी अच्छी थी, काफी अच्छा मतलब हॉरर स्टोरी अच्छा ग्रेड गया था, एकदम ऐसा लग रहा था कि हॉलीवुड जैसा फील आ रहा था, काफी अच्छा हॉरर था, मतलब वी एंजॉयड अ लॉट। आपको कैसी लगी? अच्छी थी मैम, काफी स्टोरी बिल्डअप अच्छा था, सीन्स भी अच्छे थे। सिर्फ मतलब स्टोरी काफ़ी अच्छी, स्टोरी बिल्ड लाइन काफ़ी अच्छी थी, ऐसा कुछ नहीं था कि भाई सिर्फ हॉरर ही क्रिएटेड है, पूरा डिपिक्ट किया था, एक एक सीन को अच्छे से क्रिएटेड किया था, बाकी काफ़ी अच्छी मूवी है, सबको देखना चाहिए। भूमि पेडनेकर और विकी कौशल की परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ, वो कितना पसंद आया आपको इस फिल्म? काफ़ी अच्छा था, विकी कौशल ऑफकोर्स बेस्ट एक्टर है, उरी थी उनकी, काफ़ी अच्छी मूवीज थी, विकी कौशल इज बेस्ट, सुपर एक्टिंग थी उनकी। भूमि पेडनेकर का इतना रोल नहीं था, बट जितना भी था अच्छा था, अच्छी एक्टिंग, नाइस। आपको कितना पसंद आया? बहुत अच्छा था मैम। हम लोग तो विकी के फैन हैं, तो उनकी मूवी तो देखनी होती है, और ये मूवी तो सबको देखनी चाहिए। ओके, अगर बात करूँ इस फिल्म की, तो कौन सा पार्ट आप लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आया? हॉरर सीन्स काफी सारे थे, तो क्लाइमेक्स 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 वाज द बेस्ट। चलिए, ओके, आउट ऑफ 5 स्टार कितने दोगे? 4.5 4.5 4। थैंक यू, कम कम हां रोल करो, पूछो ना। हां सर, आपको मूवी कैसी लगी विकी कौशल की? बहुत अच्छी अच्छी आपको पसंद आई? हाँ, पसंद आई। अगर उनकी परफॉर्मेंस के बाद में बात करूँ, तो वो कितना पसंद आया? उनके बारे में तो कुछ बोलना ही नहीं है ना, वो बहुत अच्छे हैं, अच्छे एक्टर हैं। अच्छे एक्टर हैं। भूमि पेडनेकर कितनी पसंद आई इसमें? तो छोटा ही रोल है ना उनका, तो जितना है उतने में अच्छी है। ओके, आज ही के दिन में सुमंगल ज्यादा सावधान भी रिलीज हो रहा है, सो ऑडियंस को क्या ज्यादा पसंद आएगी, भूत या फिर सुमंगल ज्यादा सावधान? बोला नहीं अभी, अपने पे सब अपने अपने पे। ओके, तो आप पार्ट में से कितना स्टार देंगे? 4। अच्छी थी, काफी अच्छी थी, नया एक्सपीरियंस था। आपको कैसी लगी? वैसे तो हमारे कॉलेज का बंदा है, इसलिए हम फर्स्ट डे फर्स्ट देखने आए, और स्क्रिप्ट
अच्छी थी, नॉर्मल से बहुत ज़्यादा अच्छी थी। जो एक्सपेक्ट कर रहे थे इस फिल्म से, अपने एक्सपेक्टेशन पे ये खड़ी उतरी? हाँ जी, मतलब थोड़ा अलग एक्सपेक्ट कर रहे थे हॉरर जॉनर में, बॉलीवुड में ऐसा बना नहीं है। अच्छा था, स्टोरी टेलिंग अच्छा था। ओके, अगर बात करूँ हॉरर जॉनर की तो कितनी डरावनी लगी आपको? अप टू द मार्क नहीं, लेकिन हाँ कुछ हद तक। नहीं, अगर आप हॉलीवुड के साथ कंपेयर करेंगे तो नहीं अच्छी नहीं है, लेकिन बॉलीवुड में अच्छी है। और विक्की कौशल कुछ अलग ट्राई कर रहा है तो वो देखने के लिए मजा आता है। उनकी एक्टिंग पसंद आई और काफी सटल है, बहुत 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 सटल है। भूमि पटेल का स्पेशल अपीयरेंस है, सो उतना उनको स्क्रीनिंग नहीं है, लेकिन वो गाना भी बहुत अच्छा है चन्ना का। सो कौन सा पार्ट पसंद आया इस फिल्म का? इस फिल्म का छोटा सा सीक्वेंस होता है जब शिप पे एक चल के आता है बंदा, वो बहुत सही सीक्वेंस है। स्पॉइलर नहीं देना चाहता, लेकिन वो बहुत सही सीक्वेंस है। उसकी एक्टिंग पसंद है बहुत ज़्यादा। तो 5 में से आप कितना स्टार दोगे इस फिल्म को? 3.5। आप? 4। थैंक यू। बहुत अच्छी मूवी थी। आपको अच्छी मूवी थी? बोर नहीं हुआ, दोस्तों के साथ आए थे तो अच्छा ही था। विकी कौशल की परफॉर्मेंस तो अच्छी होती है, मतलब strong emotions, he is one of the best actors who can convey it, so acha tha. Okay, Bhoomi Pednekar kitni pasand aayi is film mein? Uska role zyada tha nahi, but theek hai jitna tha utna. Direction wise ye movie pasand aayi aapko? Ha acha. Ha direction. Okay, so audience ko kaun si movie zyada pasand aayi, Bhoot ya fir Shubh Mangal Zyada Saavdhan? Aaj hi release hui hai. Shayad Shubh Mangal Zyada Saavdhan, matlab agar us type ka crowd ho to. Ha agar 5 mein se kitne star doge? 3.5. 3.5. So ma'am, how was the movie? The movie was great. It's great to see Bollywood entering the horror genre, and I think it was a good watch. What about the stories and direction? The storyline was, I think, good. They did a pretty decent job, and the direction also was good. What about Vicky Kaushal's performance? Vicky Kaushal's performance was amazing, but I wouldn't say that he should leave other genres to enter horror, like completely horror. Someone just asked me about it. So I think he did a great job. He did what he does best. But yeah, that's about it. Which part you like the most in the movie? I think, horror-wise, I like the scene where the girl vanishes. There is this scene where the girl and the guy are entering the ship. It's called Seabird. They're entering the ship and then the girl just vanishes. That was very scary. And there was this scene where the professor holds something and he starts chanting this mantra of sorts. That was very, very funny. It was a good shot, but it was just funny for us. What about Bhoomi Pednekar? She was great, but I wanted to see more of her. I mean, there wasn't enough of her in the movie. So, yeah. Out of 5 stars, I'll give it 3.5. Thank you. Okay. Achhi movie thi. It's a good watch for an Indian Bollywood horror movie. Kafi achhi thi. Story kitni pasand aayi, jo expect kar rahe the wo aap hi mila. Story kafi achhi thi. Uski thriller, bahut moments the where you wait for what's going to happen, so it's quite good. Aur Vicky Kaushal ki performance kitni pasand? विकी कौशल की एक्टिंग बहुत अच्छी थी, इट वॉज अ वेरी गुड वॉच। में से आप कितने स्टार दोगे? 4 stars फॉर अ हॉरर मूवी। थैंक यू। आपने भूत मूवी देखी तो कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी लगी मूवी, मूवी सही में बहुत अच्छी थी। बॉलीवुड के स्टैंडर्ड से तो बहुत ही अच्छी थी। द स्क्रिप्ट वॉज रियली गुड, दे कम्प्लीटेड अ फुल सर्कल एंड लाइक इट वॉज गुड राइटिंग, गुड डायरेक्शन, गुड एक्टिंग फ्रॉम विकी अगेन, लाइक ही वॉज एक्सेप्शनल। जस्ट फ्यू लाइक थिंग्स दैट कुड हैव बीन बेटर, लाइक द एनिमेशन एंड लाइक द पोस्ट प्रोडक्शन स्टफ। And otherwise, it's a very good movie. Okay, first time Vicky Kaushal is exploring the horror genre. So, how was the performance? I was really surprised that, you know, Vicky Kaushal took up such a genre of movies. But, he did a very good job. And he was amazing. I wasn't surprised because I saw him in Uri. And like, you know, all those, this thrilling genre and all those are same. So, I knew he could pull it off. But like, what he did was exceptionally good. And we expect that from Vicky Kaushal. Okay. You know, he's very good. What about Bhoomi Pednekar? She didn't have that much of a part in the movie, but whatever it was very good. Yeah, she did an amazing job. Yeah, she did a good job. I think all the acting part, like even the supporting actors were very good. But the only thing was that they could have done better with the editing and stuff. You know, we like can't expect to do like, but for a Bollywood movie, they went up a notch, definitely. What do you like to say about the background scope and the effect they have given in the movie? No, that is what I said. They could have done better with the editing and the background sound, and could have been better. The background score could have been better. But could have been better. Like what we expect from Hollywood movies, it was not as good.
but could have been better. Like, there were like lot of parts in the movie in which the scene could have been like much better with good background audio. The script was really good. But you know, most of the parts the audience end up laughing also. Laughing, yeah. I think it was partly because of the audio. But audio, yeah. But I think it was really good. Good experience. It was still very good. The script was exceptional. Okay, I how much are excited for the second part? Yeah, we were surprised that the second part. Yeah, but I think it will be good again if Vicky is there or any other actor. Basically, if the script is good, like all, half the part is about the script. Script yeah. and if audio script for and a horror movie. Thing that is good, then it's obviously it will be a good movie. Yeah. How much star you like to give out of 5? 3.5, 4. Thank you so much. मूवी कैसी लगी भूत विकी कौशल की? ठीक है, बहुत अच्छा है, स्टोरी अच्छा है. वी आर वेटिंग फॉर द सेकंड पार्ट. अच्छा, ये किस पार्ट में कौन सा आपको सबसे ज्यादा पार्ट लगा? जंप स्केयर्स बहुत अच्छे थे. हाफ द टाइम तो मैंने अपनी आंखें बंद ही रखी थी, लेकिन कभी कभी देख रहा था. जंप स्केयर्स मुझे बहुत अच्छे लगे. ओके, सो ये हॉरर फिल्म है, कितनी डरावनी लगी आपको? आउट ऑफ 10 इफ यू आस्क, आई विल रेट इट 8. थैंक यू. So, कैसी लगी आपको फिल्म भूत? बहुत अच्छी थी. मूवी काफी अच्छी थी, काफी अच्छा मतलब हॉरर स्टोरी अच्छा ग्रेड गया था. एकदम ऐसा लग रहा था कि हॉलीवुड जैसा फील आ रहा था. काफी अच्छा हॉरर था, मतलब वी एंजॉयड अ लॉट. आपको कैसी लगी? अच्छी थी मैम, काफी स्टोरी बिल्डअप अच्छा था, सीन्स भी अच्छे थे. सिर्फ मतलब स्टोरी काफ़ी अच्छी, स्टोरी बिल्ड लाइन काफ़ी अच्छी थी. ऐसा कुछ नहीं था कि भाई सिर्फ हॉरर ही क्रिएटेड है. पूरा डिपिक किया था, एक एक सीन को अच्छे से क्रिएटेड किया था. बाकी काफ़ी अच्छी मूवी है, सबको देखना चाहिए. मूवी पढ़ने का और विकी कौशल की परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ, वो कितना पसंद आया आपको? इस काफ़ी अच्छा था. विकी कौशल ऑफकोर्स बेस्ट एक्टर है. उरी थी उनकी, काफ़ी अच्छी मूवीज थी. विकी कौशल इज बेस्ट, सुपर एक्टिंग थी उनकी. भूमि पेडनेकर का इतना रोल नहीं था, बट जितना भी था अच्छा था. अच्छी एक्टिंग, नाइस. आपको कितना पसंद आया? बहुत अच्छा था मैम. हम लोग तो विकी के फैन हैं, तो उनकी मूवी तो देखनी होती है, और ये मूवी तो सबको देखनी चाहिए. ओके, अगर बात करूँ इस फिल्म की, तो कौन सा पार्ट आप लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आया? हॉरर सीन्स काफी सारे थे, तो क्लाइमेक्स 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 वाज द बेस्ट. चलिए, ओके, आउट ऑफ 5 स्टार कितने दोगे? 4.5. थैंक यू. कम रोल कम उसको देना. हां, सर आपको मूवी कैसी लगी विकी कौशल की? बहुत अच्छी है. अच्छी आपको पसंद आई? हाँ, पसंद आई, पसंद. अगर उनकी परफॉर्मेंस के बाद में बात करूँ, तो वो कितना पसंद आया? के बारे में तो कुछ बोलना ही नहीं है ना, वो बहुत अच्छे है, अच्छे एक्टर है. अच्छे एक्टर है. मूवी पढ़ने का कितनी पसंद आई इसमें? तो छोटा ही रोल है ना उनका, तो जितना है उतने में अच्छी है. ओके, आज ही के दिन में शुभ मंगल ज्यादा सावधान भी रिलीज हो रहा है, सो ऑडियंस को क्या ज्यादा पसंद आएगी, भूत या फिर शुभ मंगल ज्यादा सावधान? बोला नहीं अभी, अपने पे सब अपने अपने पे. ओके, तो आप 5 में से कितना स्टार देंगे? 4. वैसे तो हमारे कॉलेज का बंदा है, इसलिए हम फर्स्ट डे क्वेश्चन देखने आए. और स्क्रिप्ट अच्छी थी, नॉर्मल से बहुत ज्यादा अच्छी थी. जो एक्सपेक्ट कर रहे थे इस फिल्म से, अपने एक्सपेक्टेशन पे ये खड़ी हुई थी? हाँ जी, मतलब थोड़ा अलग एक्सपेक्ट कर रहे थे हॉरर जॉनर में. बॉलीवुड में ऐसा बना नहीं है. अच्छा था, स्टोरी टेलिंग अच्छा था. ओके, अगर बात करूँ हॉरर जॉनर की, तो कितनी डरावनी लगी आपको? अप टू द मार्क नहीं, लेकिन हाँ कुछ हद तक. नहीं, अगर आप हॉलीवुड के साथ कंपेयर करेंगे तो नहीं अच्छी नहीं है, लेकिन बॉलीवुड में अच्छी. और विक्की कौशल कुछ अलग ट्राई कर रहा है, तो वो देखने के लिए मजा आता है. उनकी एक्टिंग पसंद आई और काफी सटल, बहुत 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 सटल है. भूमि पटनेकर का स्पेशल अपीयरेंस है, सो उतना उनको स्क्रीनिंग नहीं है, लेकिन वो गाना भी बहुत अच्छा है चन्ना का. सो कौन सा पार्ट पसंद आया इस फिल्म का? इस फिल्म का छोटा सा सीक्वेंस होता है जब शिप पे एक चल के आता है बंदा, वो बहुत सही सीक्वेंस है. स्पॉइलर नहीं देना चाहता, लेकिन वो बहुत सही सीक्वेंस है. आप बताओ, उसकी एक्टिंग पसंद है बहुत ज्यादा. तो 5 में से आप कितना स्टार दोगे इस फिल्म को? 3.5. आप? 4. थैंक यू. सो मूवी कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी मूवी थी. आपको अच्छी मूवी थी? बोर नहीं हुआ, दोस्तों के साथ आए थे तो अच्छा ही था. विकी कौशल की परफॉर्मेंस तो अच्छी होती है, मतलब
strong emotions. He's one of the best actors who can convey it. So, अच्छा था. उसका रोल ज़्यादा था नहीं, but ठीक है जितना था. Direction wise ये movie पसंद आई आपको? हाँ अच्छा. हाँ direction. Okay, so audience को कौन सी movie ज़्यादा पसंद आई, कि भूत या फिर शुभ मंगल ज़्यादा सावधान आज ही release हुई है? शायद शुभ मंगल ज़्यादा सावधान, मतलब अगर उस type का crowd हो. हाँ. अगर पाँच में से कितने star दोगे? 3.5. 3.5. So ma'am, how was the movie? The movie was great. It's great to see Bollywood entering the horror genre, and I think it was a good watch. What about the stories and direction? The storyline was, I think, good. They did a pretty decent job, and the direction also was good. What about Vicky Kaushal's performance? Vicky Kaushal's performance was amazing, but I wouldn't say that he should leave other genres to enter horror, like completely horror. Someone just asked me about it. So I think he did a great job. He did what he does best. But yeah, that's about it. Which part do you like the most in horror? I think, horror wise, I like the scene where the girl vanishes. There is this scene where the girl and the guy are entering the ship. It's called Seabird. They're entering the ship and then the girl just vanishes. That was very scary. And there was this scene where the professor holds something and he starts chanting this mantra of sorts. That was very, very funny. I mean, it was a good shot, but it was just funny for us. What about Bhoomi Padmanabhan? She was great, but I wanted to see more of her. I mean, there wasn't enough of her in the movie. So, yeah. Out of 5 stars, I'll give it 3.5. Thank you. Okay. अच्छी movie थी. It's a good watch for an Indian Bollywood horror movie. काफी अच्छी थी. Story कितनी पसंद आई, जो expect कर रहे थे वो आप मिला. Story काफी अच्छी थी. उसकी thriller बहुत moments थे. You wait for what's going to happen, so it's quite good. और Vicky Kaushal की performance कितनी पसंद? Vicky Kaushal की acting बहुत अच्छी थी. It was a very good watch. So, 5 में से आप कितने star दें? 4 stars for a horror movie. Thank you. अच्छा, आपने भूत movie देखी तो कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी लगी movie सही में बहुत अच्छी थी. Bollywood के standard से तो बहुत ही अच्छी थी. The script was really good. They completed a full circle and like it was good writing, good direction, good acting from Vicky again. Like he was exceptional. Just a few like things that could have been better, like the animation and like the post production stuff. And otherwise, it's a very good movie. Okay, first up, Vicky Kaushal is exploring the horror genre. So, how was the performance? I was really surprised that, you know, Vicky Kaushal took up such a genre of movies. But, he did a very good job. And he was amazing. Like actually, I wasn't surprised because I saw him in Uri. And like, you know, all those, this thrilling genre and all those are same. So, I knew he could pull it off. But like, what he did was exceptionally good. And we expect that from Vicky Kaushal. Okay. You know, he's very good. What about Bhoomi Padmanabhan? She didn't have that much of a part in the movie, but whatever it was very good. Yeah, she did an amazing job. She did a good job. I think all the acting part, like even the supporting actors were very good. But the only thing was that they could have done better with the editing and stuff. You know, we like can't expect to do, like, but for a Bollywood movie, they went up a notch, definitely. What do you like to say about the background scope and the effect they have given in the movie? No, that is what I said. They could have done better with the editing and the background sound, and could have been better. The background it was good. Could have been better. But could have been better. Like what we expect from Hollywood movies, it was not as good, but could have been better. Like, there were like lot of parts in the movie in which the scene could have been like much better with good background audio. The script was really good. But you know, most of the parts the audience end up laughing. Laughing, yeah. I think it was partly because of the audio. But I think it was really good. Good experience. It was still very good. The script was exceptional. Okay, I how much are excited for the second part? Yeah, we were surprised the second part. Yeah, but I think it will be good again if Vicky is there or any other actor. If the script is good, like all half the part is about the script. Script and audio for a horror movie. Thing that is good, then it's obviously it will be a good movie. How much star you like to give out the part? 3.5, 4. Thanks. भी कैसी लगी भूत विकी कौशल की? ठीक है, बहुत अच्छा है. स्टोरी अच्छा है. वी आर वेटिंग फॉर द सेकंड पार्ट. अच्छा, ये किस पार्ट में कौन सा आपको सबसे ज्यादा पार्ट लगा? जंप स्केयर्स बहुत अच्छे थे. हाफ द टाइम तो मैंने अपनी आंखें बंद ही रखी थी, लेकिन कभी कभी देख रहा था. जंप स्केयर्स मुझे बहुत अच्छे लगे. ओके, सो ये हॉरर फिल्म है, कितनी डरावनी लगी आपको? आउट ऑफ 10 इफ यू आस्क, आई विल रेट इट 8. So, कैसी लगी आपको फिल्म भूत? बहुत अच्छी मूवी, काफी अच्छी थी. काफी अच्छा, मतलब हॉरर स्टोरी अच्छा ग्रेड गया था. एकदम ऐसा लग रहा था कि हॉलीवुड जैसा फील आ रहा था. काफी अच्छा हॉरर था, मतलब वी एंजॉयड अ लॉट. आपको कैसी लगी? अच्छी थी मैम, काफी स्टोरी बिल्डअप अच्छा था, सीन्स भी अच्छे थे.
सिर्फ मतलब स्टोरी काफ़ी अच्छी, स्टोरी बिल्ड लाइन काफ़ी अच्छी थी, ऐसा कुछ नहीं था कि भाई सिर्फ हॉरर ही क्रिएटेड है, पूरा डिपिक्ट किया था, एक एक सीन को अच्छे से क्रिएटेड किया था, बाकी काफ़ी अच्छी मूवी है, सबको देखना चाहिए। मूवी पढ़ने का और विकी कौशल की परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ, वो कितना पसंद आया आपको इस फिल्म? काफ़ी अच्छा था, विकी कौशल ऑफ कोर्स बेस्ट एक्टर है, उरी थी उनकी, काफ़ी अच्छी मूवीज थी, विकी कौशल इज बेस्ट, सुपर एक्टिंग थी उनकी। भूमि पेडनेकर का इतना रोल नहीं था बट जितना भी था अच्छा था, अच्छी एक्टिंग, नाइस। आपको कितना पसंद आया? बहुत अच्छा था मैम। हम लोग तो विकी के फैन हैं तो उनकी मूवी तो देखनी होती है और ये मूवी तो सबको देखनी चाहिए। ओके, अगर बात करूँ इस फिल्म की तो कौन सा पार्ट आप लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आया? हॉरर सीन्स काफी सारे थे तो खूब सारे, क्लाइमेक्स वाज द बेस्ट। चलिए ओके, आउट ऑफ 5 स्टार कितने दोगे? 4.5। थैंक यू। कम हां रोल चलो पूछते रहो ना। हां ओके सर, आपको मूवी कैसी लगी विकी कौशल की? बहुत अच्छी है। आपको पसंद आई ये? हां पसंद आई, पसंद। अगर उनकी परफॉर्मेंस के बाद में बात करूं तो वो कितना पसंद आया? के बारे में तो कुछ बोलना ही नहीं है ना, वो बहुत अच्छे है, अच्छे एक्टर है। अच्छे एक्टर है। मूवी पढ़ने का कितनी पसंद आई इसमें? तो छोटा ही रोल है ना उनका, तो जितना है उतने में अच्छी है। ओके, आज ही के दिन में शुभ मंगल ज्यादा सावधान भी रिलीज हो रहा है, सो ऑडियंस को क्या ज्यादा पसंद आएगी, भूत या फिर शुभ मंगल ज्यादा सावधान? लानी अभी अपने पे, सब अपने अपने पे। ओके, तो आप 5 में से कितना स्टार देंगे? 4। इसे 2 मिनट का। सो भूत मूवी कैसी लगी विकी कौशल? अच्छी थी, काफी अच्छी थी, नया एक्सपीरियंस था। आपको कैसी लगी? वैसे तो हमारे कॉलेज का बंदा है इसलिए हम फर्स्ट डे क्वेश्चन देखने आए। ओके, और स्क्रिप्ट अच्छी थी, नॉर्मल से बहुत ज्यादा अच्छी थी। जो एक्सपेक्ट कर रहे थे इस फिल्म से, अपने एक्सपेक्टेशन पे ये खड़ी हुई थी? हां जी, मतलब थोड़ा अलग एक्सपेक्ट कर रहे थे हॉरर जॉनर में, बॉलीवुड में ऐसा बना नहीं है। अच्छा था, स्टोरी टेलिंग अच्छा था। ओके, अगर बात करूं हॉरर जॉनर की तो कितनी डरावनी लगी आपको? अप टू द मार्क नहीं, लेकिन हाँ कुछ हद तक। नहीं, अगर आप हॉलीवुड के साथ कंपेयर करेंगे तो नहीं अच्छी नहीं है, लेकिन बॉलीवुड में अच्छी, और विक्की कौशल कुछ अलग ट्राई कर रहा है तो वो देखने के लिए मजा आता है। उनकी एक्टिंग पसंद आई और काफी सटल, बहुत 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 सटल है। भूमि पटनायक का स्पेशल अपीयरेंस है, सो उतना उनको स्क्रीनिंग नहीं है, लेकिन वो गाना भी बहुत अच्छा है चन्ना का। सो कौन सा पार्ट पसंद आया इस फिल्म का? इस फिल्म का छोटा सा सीक्वेंस होता है जब शिप पे एक चल के आता है बंदा, वो बहुत सही सीक्वेंस है, स्पॉइलर नहीं देना चाहता लेकिन वो बहुत सही। उसकी एक्टिंग पसंद है बहुत ज्यादा। तो 5 में से आप कितना स्टार दोगे इस फिल्म को? 3.5। आप? 4। थैंक यू। बहुत अच्छी मूवी थी। आपको अच्छी मूवी थी? अगर स्टोरी की बात करूँ वो कितना पसंद आया, कितनी डरावनी लगी? डरावनी नहीं लगी, मतलब बहुत नहीं थी बट अच्छी, मतलब बॉलीवुड के हिसाब से तो अच्छी थी। मतलब ज्यादातर बस रिफ्लेक्सेस पे खेल रहे थे बट ऐसा कुछ स्कैरी इतना नहीं था, बट अच्छा था स्टोरी, अच्छा। तो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आपको मिला? हां काइंड ऑफ, हां मतलब सही था, बोर नहीं हुआ, दोस्तों के साथ आए थे तो अच्छा ही था। ओके, सो विकी कौशल की परफॉर्मेंस के बारे में क्या बताना चाहेंगे? विकी कौशल की परफॉर्मेंस तो अच्छी होती है, मतलब स्ट्रांग इमोशंस, ही इज वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स हु कैन कन्वे इट, सो अच्छा था। ओके, भूमि पेडनेकर कितनी पसंद आई इस फिल्म में? उसका रोल ज्यादा था नहीं बट ठीक है जितना था। डायरेक्शन वाइज ये मूवी पसंद आई आपको? हां हां डायरेक्शन। ओके, सो ऑडियंस को कौन सी मूवी ज्यादा पसंद आएगी, भूत या फिर शुभ मंगल ज्यादा सावधान? आज ही रिलीज हुई है, शायद शुभ मंगल ज्यादा सावधान, मतलब अगर उस टाइप का क्राउड हो तो। हां, अगर 5 में से कितना स्टार दोगे? 3.5। 3.5। सो मैम हाउ वाज द मूवी? The movie was great. It's great to see Bollywood entering the horror genre, and I think it was a good watch. What about the stories and direction? The storyline was, I think, good. They did a pretty decent job, and the direction also was good. What about Vicky Kaushal's performance? Vicky Kaushal's performance was amazing, but I wouldn't say that he should leave other genres to enter horror, like completely horror. Someone just asked me about it, so I think he did a great job. He did what he does best. But yeah, that's about it. Which part do you like the most in the movie? I think, horror-wise, I like the scene where the girl vanishes. There is this scene where the girl and the guy are entering the ship. It's called Seabird. They're entering the ship and then the girl just vanishes. That was very scary. And there was this scene where the professor holds something and he starts chanting this mantra of sorts. That was very, very funny. It was a good shot, but it was just funny for us. What about Bhoomi Padnekar? She was great, but I wanted to see more of her. I mean, there wasn't enough of her in the movie. So, yeah. Out of 5 stars, how much? I'll give it 3.5. Thank you. Okay.
अच्छी मूवी थी, इट्स अ गुड वॉच फॉर एन इंडियन बॉलीवुड हॉरर मूवी, काफ़ी अच्छी थी। स्टोरी कितनी पसंद आई, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आप मिला? स्टोरी काफ़ी अच्छी थी, उसकी थ्रिलर बहुत मूवमेंट्स थे, वे यू वेट फॉर व्हाट्स गोइंग टू हैपन, सो इट्स क्वाइट गुड। और विकी कौशल की परफॉर्मेंस कितनी पसंद आई? विकी कौशल की एक्टिंग बहुत अच्छी थी, इट वॉज अ वेरी गुड वॉच। आप कितना स्टार दे? 4 stars फॉर अ हॉरर मूवी। थैंक यू। आपने भूत मूवी देखी तो कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी लगी मूवी, मूवी सही में बहुत अच्छी थी, बॉलीवुड के स्टैंडर्ड से तो बहुत ही अच्छी थी। द स्क्रिप्ट वॉज रियली गुड, दे कम्प्लीटेड अ फुल सर्कल एंड लाइक इट वॉज गुड राइटिंग, गुड डायरेक्शन, गुड एक्टिंग फ्रॉम विकी अगेन, लाइक ही वॉज एक्सेप्शनल। जस्ट फ्यू लाइक थिंग्स दैट कुड हैव बीन बेटर, लाइक द एनिमेशन एंड लाइक द पोस्ट प्रोडक्शन स्टफ, एंड अदरवाइज तो वेरी गुड मूवी। ओके, फर्स्ट विकी कौशल इज एक्सप्लोरिंग द हॉरर जॉनर, सो हाउ वाज द परफॉर्मेंस? आई वॉज रियली सरप्राइज दैट यू नो विकी कौशल टुक अप सच अ जॉनर ऑफ मूवीज, but I mean he did a very good job and he was amazing, like actually I wasn't surprised because I saw him in Uri and like you know all those this thrilling genre and all those are same, so I knew he could pull it off, but like what he did was exceptionally good and we expect that from Vicky Kaushal. Okay. You know he's very good. What about Bhoomi Phadnekar? She didn't have that much of a part in the movie, but whatever it was very good. Yeah, she did an amazing job. She did a good job. I think all the acting part, like even the supporting actors were very good, but the only thing was that they could have done better with the editing and stuff, you know, we like can't expect to do, like, but for a Bollywood movie they went up a notch, definitely. What do you like to say about the background scope and the effect they have given in the movie? No, that is what I said. They could have done better with the editing and the background sound, and could have been better. The background sound could have been better, but could have been better. Like what we expect from Hollywood movies, it was not as good, but could have been better. Like, there were like lot of parts in the movie in which the scene could have been like much better with good background audio. The script was really good, but you know most of the parts the audience end up laughing also. Laughing, yeah. I think it was partly because of the audio. But audio, yeah. But I think it was really good, good experience. It was still and very good. The script was exceptional. Okay, I like how much are excited for the second part? Yeah, we were surprised the second part. Yeah, but I think it will be good again if Vicky is there or any other actor. Basically if the script is good, like all, half the part is about the script. Script and audio script for and a horror movie. Thing that is good, then it's obviously it will be a good movie. Yeah, okay. How much star you like to give out of 5? 3.5, 4. Thank you so much. मूवी कैसी लगी भूत विकी कौशल की? ठीक है, बहुत अच्छा है, स्टोरी अच्छा है, वी आर वेटिंग फॉर द सेकंड पार्ट। अच्छा, ये किस पार्ट में कौन सा आपको सबसे ज्यादा पार्ट लगा? जंप स्केयर्स बहुत अच्छे थे, हाफ द टाइम तो मैंने अपनी आंखें बंद ही रखी थी, लेकिन कभी कभी देख रहा था, जंप स्केयर्स मुझे बहुत अच्छे लगे। ओके, सो ये हॉरर फिल्म है, कितनी डरावनी लगी आपको? आउट ऑफ 10 इफ यू आस्क, आई विल रेट इट 8। So, कैसी लगी आपको फिल्म भूत? बहुत अच्छी थी, मूवी काफी अच्छी थी, काफी अच्छा मतलब हॉरर स्टोरी अच्छा ग्रेड गया था, एकदम जैसा लग रहा था कि हॉलीवुड जैसा फील आ रहा था, काफी अच्छा हॉरर था, मतलब वी एंजॉयड अ लॉट। आपको कैसी लगी? अच्छी थी मैम, काफी स्टोरी बिल्डअप अच्छा था, सीन्स भी अच्छे थे। सिर्फ मतलब स्टोरी काफ़ी अच्छी, स्टोरी बिल्ड लाइन काफ़ी अच्छी थी, ऐसा कुछ नहीं था कि भाई सिर्फ हॉरर ही क्रिएटेड है, पूरा डिपिक किया था, एक एक सीन को अच्छे से क्रिएटेड किया था, बाकी काफ़ी अच्छी मूवी है, सबको देखना चाहिए। मूवी पढ़नेकर और विकी कौशल की परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ, वो कितना पसंद आया आपको? इस काफ़ी अच्छा था, विकी कौशल ऑफकोर्स बेस्ट एक्टर है, उरी थी उनकी, काफ़ी अच्छी मूवीज थी, विकी कौशल इज बेस्ट, सुपर एक्टिंग थी उनकी। भूमि पेडनेकर का इतना रोल नहीं था, बट जितना भी था अच्छा था, अच्छी एक्टिंग, नाइस। आपको कितना पसंद आया? बहुत अच्छा था मैम, हम लोग तो विकी के फैन हैं, तो उनकी मूवी तो देखनी होती है और ये मूवी तो सबको देखनी चाहिए। ओके, अगर बात करूँ इस फिल्म की, तो कौन सा पार्ट आप लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आया? हॉरर सीन्स काफी सारे थे, तो क्लाइमेक्स 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 वाज द बेस्ट। चलिए, ओके, आउट ऑफ 5 स्टार कितने दोगे? 4.5 4.5 4। थैंक यू। कम रोल चलो पूछते रहो ना। हां, सर आपको मूवी कैसी लगी विकी कौशल की? बहुत अच्छी है। अच्छी आपको पसंद आई? हाँ, पसंद आई, पसंद। अगर उनकी परफॉर्मेंस के बाद में बात करूँ तो वो कितना पसंद आया? के बारे में तो कुछ बोलना ही नहीं है ना, वो बहुत अच्छे है, अच्छे एक्टर है। अच्छे एक्टर है। बहुत अच्छे एक्टर। कितनी पसंद आई इसमें? तो छोटा ही रोल है ना उनका, तो जितना है उतने में अच्छी है। ओके, आज ही के दिन में शुभ मंगल ज्यादा सावधान भी रिलीज हो रहा है, सो ऑडियंस को क्या ज्यादा पसंद आएगी, भूत या फिर शुभ मंगल ज्यादा सावधान? बोला नहीं अभी, अपने पे सब अपने अपने पे। ओके, तो आप 5 में से कितना स्टार देंगे? 4। आपको कैसी लगी? वैसे तो हमारे कॉलेज का बंदा है, इसलिए हम फर्स्ट डे क्वेश्चन देखने आए। ओके, और स्क्रिप्ट
अच्छी थी, नॉर्मल से बहुत ज़्यादा अच्छी थी। जो एक्सपेक्ट कर रहे थे इस फिल्म से, अपने एक्सपेक्टेशन पे ये खड़ी हुई थी? हाँ जी, मतलब थोड़ा अलग एक्सपेक्ट कर रहे थे हॉरर जॉनर में, बॉलीवुड में ऐसा बना नहीं है। अच्छा था स्टोरी टेलिंग, अच्छा था। ओके, अगर बात करूँ हॉरर जॉनर की तो कितनी डरावनी लगी आपको? अप टू द मार्क नहीं, लेकिन हाँ कुछ हद तक। नहीं, अगर आप हॉलीवुड के साथ कंपेयर करेंगे तो नहीं, अच्छी नहीं है, लेकिन बॉलीवुड में अच्छी है। और विक्की कौशल कुछ अलग ट्राई कर रहा है तो वो देखने के लिए मजा आता है। उनकी एक्टिंग पसंद आई और काफी सटल, बहुत 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 सटल है। भूमि पटनी का स्पेशल अपीयरेंस है, सो उतना उनको स्क्रीनिंग नहीं है, लेकिन वो गाना भी बहुत अच्छा है चन्ना का। सो कौन सा पार्ट पसंद आया इस फिल्म का? इस फिल्म का छोटा सा सीक्वेंस होता है जब शिप पे एक चल के आता है बंदा, वो बहुत सही सीक्वेंस है। स्पॉइलर नहीं देना चाहता, लेकिन वो बहुत सही सीक्वेंस है। आप बताओ। उसकी एक्टिंग पसंद है बहुत ज़्यादा। तो 5 में से आप कितना स्टार दोगे इस फिल्म को? 3.5। आप? 4। थैंक यू। सो वो फिल्म कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी मूवी थी। आपको अच्छी मूवी थी? खेल रहे थे, बट ऐसा कुछ स्केरी इतना नहीं था, बट अच्छा था स्टोरी। अच्छा, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आपको मिला? हाँ, काइंड ऑफ। हाँ, मतलब सही था, बोर नहीं हुआ, दोस्तों के साथ आए थे तो अच्छा ही था। विक्की कौशल की परफॉर्मेंस तो अच्छी होती है, मतलब strong emotions, he is one of the best actors who can convey it, so acha tha. Okay, Bhoomi Pendlekar kitni pasand aayi is film mein? Uska role zyada tha nahi, but theek hai jitna tha utna. Direction wise ye movie pasand aayi aapko? Ha, acha. Ha, direction wise. Okay, so audience ko kaun si movie zyada pasand aayi, Bhoot ya fir Shubh Mangal Zyada Saavdhan? Aaj hi release hui hai. Shayad Shubh Mangal Zyada Saavdhan, matlab agar us type ka crowd ho to. Ha, agar 5 mein se kitne star doge? 3.5. 3.5. So ma'am, how was the movie? The movie was great. It's great to see Bollywood entering the horror genre, and I think it was a good watch. What about the stories and direction? The storyline was, I think, good. They did a pretty decent job, and the direction also was good. What about Vicky Kaushal's performance? Vicky Kaushal's performance was amazing, but I wouldn't say that he should leave other genres to enter horror, like completely horror. Someone just asked me about it. So I think he did a great job. He did what he does best. But yeah, that's about it. Which part do you like the most in the film? I think, horror wise, I like the scene where the girl vanishes. There is this scene where the girl and the guy are entering the ship. It's called Seabird. They're entering the ship and then the girl just vanishes. That was very scary. And there was this scene where the professor holds something and he starts chanting this mantra of sorts. That was very, very funny. I mean, it was a good shot, but it was just funny for us. What about Bhoomi Pendlekar? She was great, but I wanted to see more of her. I mean, there wasn't enough of her in the movie. So, yeah. Out of 5 stars, I'll give it 3.5. Thank you. Okay. अच्छी movie थी. It's a good watch for an Indian Bollywood horror movie. काफी अच्छी थी. Story कितनी पसंद आई? जो expect कर रहे थे वो आप मिला? Story काफी अच्छी थी. उसकी thriller बहुत moments थे. You wait for what's going to happen, so it's quite good. और Vicky Kaushal की performance कितनी पसंद? विकी कौशल की एक्टिंग बहुत अच्छी थी. इट वॉज अ वेरी गुड वॉच. फोर स्टार्स फॉर हॉरर मूवी. थैंक यू. आपने भूत मूवी देखी तो कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी लगी मूवी सही में बहुत अच्छी थी. बॉलीवुड के स्टैंडर्ड से तो बहुत ही अच्छी थी. द स्क्रिप्ट वॉज रियली गुड. दे कम्प्लीटेड अ फुल सर्कल एंड लाइक इट वॉज गुड राइटिंग, गुड डायरेक्शन, गुड एक्टिंग फ्रॉम विकी अगेन. लाइक ही वॉज एक्सेप्शनल. जस्ट फ्यू लाइक थिंग्स दैट कुड हैव बीन बेटर, लाइक द एनिमेशन एंड लाइक द पोस्ट प्रोडक्शन स्टफ. And otherwise, it's a very good movie. Okay, first time Vicky Kaushal is exploring the horror genre. So, how was the performance? I was really surprised that, you know, Vicky Kaushal took up such a genre of movies. But, he did a very good job. And he was amazing. Like Actually, I wasn't surprised because I saw him in Uri. And like, you know, all those, this thrilling genre and all those are same. So, I knew he could pull it off. But like, what he did was exceptionally good. And we expect that from Vicky Kaushal. Okay. You know, he's very good. What about Bhoomi Pendlekar? She didn't have that much of a part in the movie, but whatever it was very good. Yeah, she did amazing. Yeah, she did a good job. I think all the acting part, like even the supporting actors were very good. But the only thing was that they could have done better with the editing and stuff. You know, we like can't expect to like. But for a Bollywood movie, they went up a notch. Definitely. What would you like to say about the background scope and the effect they have given in the movie? No, that is what I said. They could have done better with the editing and the background sound, and could have been better. The background it was good. Could have been better, but could have been better. Like what we expect from Hollywood movies, it was not as good.
but could have been better. Like there were like lot of parts in the movie in which the scene could have been like much better with good background audio. The script was really good. But you know, most of the parts the audience end up laughing also. Laughing, yeah. I think it was partly because of the audio. But I think it was really good experience. It was still very good. The script was exceptional. Okay, I how much you are excited for the second part? Yeah, we were surprised the second part. Yeah, but I think it will be good again if Vicky is there or any other actor. If the script is good, like all half the part is about the script. Script and audio for a horror movie. That is good, then it's obviously it will be a good movie. Yeah. How much star you like to give out of 5? 3.5, 4. Thanks. मूवी कैसी लगी भूत विकी कौशल की? ठीक है, बहुत अच्छा है, स्टोरी अच्छा है, वी आर वेटिंग फॉर द सेकंड पार्ट। अच्छा, ये किस पार्ट में कौन सा आपको सबसे ज्यादा पार्ट लगा? जंप स्केयर्स बहुत अच्छे थे, हाफ द टाइम तो मैंने अपनी आंखें बंद ही रखी थी, लेकिन कभी कभी देख रहा था, जंप स्केयर्स मुझे बहुत अच्छे लगे। ओके, सो ये हॉरर फिल्म है, कितनी डरावनी लगी आपको? आउट ऑफ 10 इफ यू आस्क, आई विल रेट इट 8। थैंक यू सो मच। So, कैसी लगी आपको फिल्म बहुत अच्छी मूवी काफी अच्छी थी, काफी अच्छा मतलब हॉरर स्टोरी अच्छा ग्रेड गया था, एकदम ऐसा लग रहा था कि हॉलीवुड जैसा फील आ रहा था, काफी अच्छा हॉरर था मतलब वी एंजॉयड अ लॉट। आपको कैसी लगी? अच्छी थी मैम, काफी स्टोरी बिल्डअप अच्छा था, सीन्स भी अच्छे थे। सिर्फ मतलब स्टोरी काफ़ी अच्छी, स्टोरी बिल्ड लाइन काफ़ी अच्छी थी, ऐसा कुछ नहीं था कि भाई सिर्फ हॉरर ही क्रिएटेड है, पूरा डिपिक्ट किया था, एक एक सीन को अच्छे से क्रिएटेड किया था, बाकी काफ़ी अच्छी मूवी है, सबको देखना चाहिए। मूवी पेडनेकर और विकी कौशल की परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ, वो कितना पसंद आया आपको इस फिल्म? काफ़ी अच्छा था, विकी कौशल ऑफ कोर्स बेस्ट एक्टर है, उरी थी उनकी, काफ़ी अच्छी मूवीज थी, विकी कौशल इज बेस्ट, सुपर एक्टिंग थी उनकी। भूमि पेडनेकर का इतना रोल नहीं था, बट जितना भी था अच्छा था, अच्छी एक्टिंग, नाइस। आपको कितना पसंद आया? बहुत अच्छा था मैम, हम लोग तो विकी के फैन हैं, तो उनकी मूवी तो देखनी होती है और ये मूवी तो सबको देखनी चाहिए। ओके, अगर बात करूँ इस फिल्म की, तो कौन सा पार्ट आप लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आया? हॉरर सीन्स काफी सारे थे, तो खूब सारे क्लाइमेक्स वाज द बेस्ट। चलिए, ओके, आउट ऑफ 5 स्टार कितने दोगे? 4.5। थैंक यू। कम रोल चलो पूछते रहो ना। हां, सर आपको मूवी कैसी लगी विकी कौशल की? बहुत अच्छी अच्छी आपको पसंद आई? हाँ, पसंद आई, पसंद। अगर उनकी परफॉर्मेंस के बाद में बात करूँ तो वो कितना पसंद आया? के बारे में तो कुछ बोलना ही नहीं है ना, वो बहुत अच्छे एक्टर है। अच्छे एक्टर है। छोटा ही रोल है ना उनका, तो जितना है उतने में अच्छी है। ओके, आज ही के दिन में शुभ मंगल ज्यादा सावधान भी रिलीज हो रहा है, सो ऑडियंस को क्या ज्यादा पसंद आएगी, भूत या फिर शुभ मंगल ज्यादा सावधान? बोला नहीं अभी, अपने पे सब अपने पे। ओके, तो आप 5 में से कितना स्टार देंगे? 4। अच्छी थी, काफी अच्छी थी, नया एक्सपीरियंस था। आपको कैसी लगी? वैसे तो हमारे कॉलेज का बंदा है, इसलिए हम फर्स्ट डे क्वेश्चन देखने आए, और स्क्रिप्ट अच्छी थी, नॉर्मल से बहुत ज्यादा अच्छी थी। जो एक्सपेक्ट कर रहे थे इस फिल्म से, अपने एक्सपेक्टेशन पे ये खड़ी हुई थी? हाँ जी, मतलब थोड़ा अलग एक्सपेक्ट कर रहे थे, हॉरर जॉनर में बॉलीवुड में ऐसा बना नहीं है, अच्छा था, स्टोरी टेलिंग अच्छा था। ओके, अगर बात करूँ हॉरर जॉनर की, तो कितनी डरावनी लगी आपको? अप टू द मार्क नहीं, लेकिन हाँ कुछ हद तक। नहीं, अगर आप हॉलीवुड के साथ कंपेयर करेंगे तो नहीं अच्छी नहीं है, लेकिन बॉलीवुड में अच्छी, और विक्की कौशल कुछ अलग ट्राई कर रहा है, तो वो देखने के लिए मजा आता है। उनकी एक्टिंग पसंद आई? और काफी सटल, बहुत 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 सटल है, भूमि पटनेकर का स्पेशल अपीयरेंस है, सो उतना उनको स्क्रीनिंग नहीं है, लेकिन वो गाना भी बहुत अच्छा है चन्ना का। सो कौन सा पार्ट पसंद आया इस फिल्म का? इस फिल्म का छोटा सा सीक्वेंस होता है जब शिप पे एक चल के आता है बंदा, वो बहुत सही सीक्वेंस है, स्पॉइलर नहीं देना चाहता, लेकिन वो बहुत सही सीक्वेंस है। आप बताओ, उसकी एक्टिंग पसंद है बहुत ज्यादा। तो 5 में से आप कितना स्टार दोगे इस फिल्म को? 3.5। आप? 4। थैंक यू। बहुत अच्छी मूवी थी, आपको अच्छी मूवी थी? बोर नहीं हुआ, दोस्तों के साथ आए थे तो अच्छा ही था। विकी कौशल की परफॉर्मेंस तो अच्छी होती है, मतलब
strong emotions. He's one of the best actors who can convey it. So, अच्छा था. भूमि पेडनेकर कितनी पसंद आई इस फिल्म में? उसका रोल ज़्यादा था नहीं, but ठीक है जितना था. डायरेक्शन वाइज ये मूवी पसंद आई आपको? हाँ अच्छा. हाँ डायरेक्शन. ओके सो ऑडियंस को कौन सी मूवी ज़्यादा पसंद आएगी, भूत या फिर शुभ मंगल ज्यादा सावधान? आज ही रिलीज हुई है. शायद शुभ मंगल ज्यादा सावधान, मतलब अगर उस टाइप का क्राउड हो तो. हाँ अगर पाँच में से कितना स्टार दोगे? 3.5. 3.5. सो मैम हाउ वाज द मूवी? The movie was great. It's great to see Bollywood entering the horror genre, and I think it was a good watch. What about the stories and direction? The storyline was, I think, good. They did a pretty decent job, and the direction also was good. What about Vicky Kaushal's performance? Vicky Kaushal's performance was amazing, but I wouldn't say that he should leave other genres to enter horror, like completely horror. Someone just asked me about it. So I think he did a great job. He did what he does best. But yeah, that's about it. Which part you like the most in horror? I think, horror-wise, I like the scene where the girl vanishes. There is this scene where the girl and the guy are entering the ship. It's called Seabird. They're entering the ship and then the girl just vanishes. That was very scary. And there was this scene where the professor holds something and he starts chanting this mantra of sorts. That was very, very funny. I mean, it was a good shot, but it was just funny for us. What about Bhoomi Padnekar? She was great, but I wanted to see more of her. I mean, there wasn't enough of her in the movie. So, yeah. Out of 5 stars, I'll give it 3.5. Thank you. Okay. Achhi movie thi. It's a good watch for an Indian Bollywood horror movie. Kafi achhi thi. Story kitni pasand aayi, jo expect kar rahe the, wo aapne mila? Story kafi achhi thi. Uski thriller, bahut moments where you wait for what's going to happen, so it's quite good. Aur Vicky Kaushal ki performance kitni pasand? Vicky Kaushal की एक्टिंग बहुत अच्छी थी. इट वॉज अ वेरी गुड वॉच. पांच से आप कितने स्टार देंगे? 4 stars फॉर अ हॉरर मूवी. थैंक यू. आपने भूत मूवी देखी तो कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी लगी मूवी. मूवी सही में बहुत अच्छी थी. बॉलीवुड के स्टैंडर्ड से तो बहुत ही अच्छी थी. द स्क्रिप्ट वॉज रियली गुड. दे कम्प्लीटेड अ फुल सर्कल एंड लाइक इट वॉज गुड राइटिंग, गुड डायरेक्शन, गुड एक्टिंग फ्रॉम विकी अगेन. लाइक ही वॉज एक्सेप्शनल. जस्ट फ्यू लाइक थिंग्स दैट कुड हैव बीन बेटर, लाइक द एनिमेशन एंड लाइक द पोस्ट प्रोडक्शन स्टफ. And otherwise, it's a very good movie. Okay, first up, Vicky Kaushal is exploring the horror genre. So, how was the performance? I was really surprised that, you know, Vicky Kaushal took up such a genre of movies. But, he did a very good job. And he was amazing. Like actually, I wasn't surprised because I saw him in Uri. And like, you know, all those, this thrilling genre and all those are same. So, I knew he could pull it off. But like, what he did was exceptionally good. And we expect that from Vicky Kaushal. Okay. You know, he's very good. What about Bhoomi Padnekar? She didn't have that much of a part in the movie, but whatever it was very good. Yeah, she did an amazing job. Yeah, she did a good job. I think all the acting part, like even the supporting actors were very good. But the only thing was that they could have done better with the editing and stuff. You know, we like can't expect to do like, but for a Bollywood movie, they went up a notch, definitely. What do you like to say about the background scope and the effect they have given in the movie? No, that is what I said. They could have done better with the editing and the background sound, and could have been better. The background sound could have been better. But could have been better. Like what we expect from Hollywood movies, it was not as good, but could have been better. Like, there were like lot of parts in the movie in which the scene could have been like much better with good background audio. The script was really good. But you know, most of the parts the audience end up laughing also. Laughing, yeah. I think it was partly because of the audio. But audio, yeah. But I think it was really good. Good experience. It was still and very good. The script was exceptional. Okay, I like how much are excited for the second part? Yeah, we were surprised the second part. Yeah, but I think it will be good again credits. If Vicky is there or any other actor. If the script is good, like all, half the part is about the script. Script yeah. and if audio script for and a horror movie. Thing that is good, then it's obviously it will be a good movie. Yeah. How much star you like to give out of 5? 3.5, 4. Thank you so much. मूवी कैसी लगी भूत विकी कौशल की? ठीक है, बहुत अच्छा है. स्टोरी अच्छा है. वी आर वेटिंग फॉर द सेकंड पार्ट. अच्छा, ये किस पार्ट में कौन सा आपको सबसे ज्यादा पार्ट ये जंप स्केयर्स बहुत अच्छे थे. हाफ द टाइम तो मैंने अपनी आंखें बंद ही रखी थी, लेकिन कभी कभी देख रहा था. जंप स्केयर्स मुझे बहुत अच्छे लगे. ओके, सो ये हॉरर फिल्म है, कितनी डरावनी लगी आपको? आउट ऑफ 10 इफ यू आस्क, आई विल रेट इट 8. थैंक यू सो मच. So, कैसी लगी आपको फिल्म भूत? बहुत अच्छी मूवी, काफी अच्छी थी. काफी अच्छा, मतलब हॉरर स्टोरी अच्छा ग्रेड गया था. एकदम ऐसा लग रहा था कि हॉलीवुड जैसा फील आ रहा था. काफी अच्छा हॉरर था, मतलब वी एंजॉयड अ लॉट. आपको कैसी लगी? अच्छी थी मैम, काफी स्टोरी बिल्डअप अच्छा था, सीन्स भी अच्छे थे. आपको कैसी लगी?
सिर्फ मतलब स्टोरी काफ़ी अच्छी, स्टोरी बिल्ड लाइन काफ़ी अच्छी थी, ऐसा कुछ नहीं था कि भाई सिर्फ हॉरर ही क्रिएटेड है, पूरा डिपिक किया था, एक एक सीन को अच्छे से क्रिएटेड किया था, बाकी काफ़ी अच्छी मूवी है, सबको देखना चाहिए। मूवी पढ़ने का और विकी कौशल की परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ, वो कितना पसंद आया आपको इसमें? काफ़ी अच्छा था, विकी कौशल ऑफकोर्स बेस्ट एक्टर है, उरी उरी थी उनकी, काफ़ी अच्छी मूवीज थी, विकी कौशल इज बेस्ट, सुपर एक्टिंग थी उनकी। भूमि पेडनेकर का इतना रोल नहीं था बट जितना भी था अच्छा था, अच्छी एक्टिंग, नाइस। आपको कितना पसंद आया? बहुत अच्छा था मैम। हम लोग तो विकी के फैन हैं तो उनकी मूवी तो देखनी होती है और ये मूवी तो सबको देखनी चाहिए। ओके, अगर बात करूँ इस फिल्म की तो कौन सा पार्ट आप लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आया? हॉरर सीन्स काफी सारे थे तो खूब सारे, क्लाइमेक्स 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 वाज द बेस्ट। चलिए ओके, आउट ऑफ 5 स्टार कितने दोगे? 4.5 4.5 4। थैंक यू। कम कम हां रोल चलो पूछते हो ना। हां सर, आपको मूवी कैसी लगी विकी कौशल की? बहुत अच्छी है। अच्छी आपको पसंद आई? हाँ पसंद आई पसंद। अगर उनकी परफॉर्मेंस के बाद में बात करूँ तो वो कितना पसंद आया? के बारे में तो कुछ बोलना ही नहीं है ना, वो बहुत अच्छे अच्छा अच्छे एक्टर है। अच्छे एक्टर है। मूवी पढ़ने का कितनी पसंद आई इसमें? तो छोटा ही रोल है ना उनका, तो जितना है उतने में अच्छी है। ओके, आज ही के दिन में शुभ मंगल ज्यादा सावधान भी रिलीज हो रहा है, सो ऑडियंस को क्या ज्यादा पसंद आएगी, भूत या फिर शुभ मंगल ज्यादा सावधान? बोला नहीं अभी, अपने पे सब अपने अपने पे। ओके, तो आप 5 में से कितना स्टार दे रहे हैं? 4। दो मिनट। सो मूवी कैसी लगी विकी कौशल? अच्छी थी, काफ़ी अच्छी थी, नया एक्सपीरियंस था। आपको कैसी लगी? वैसे तो हमारे कॉलेज का बंदा है इसलिए हम फर्स्ट डे क्वेश्चन देखने आए। ओके। और स्क्रिप्ट अच्छी थी, नॉर्मल से बहुत ज़्यादा अच्छी थी। जो एक्सपेक्ट कर रहे थे इस फिल्म से, अपने एक्सपेक्टेशन पे ये खड़ी हुई थी? हाँ जी, मतलब थोड़ा अलग एक्सपेक्ट कर रहे थे, हॉरर जॉनर में बॉलीवुड में ऐसा बना नहीं है, अच्छा था, स्टोरी टेलिंग अच्छा था। अगर बात करूँ हॉरर जॉनर की तो कितनी डरावनी लगी आपको? अप टू द मार्क नहीं, लेकिन हाँ कुछ हद तक। अगर आप हॉलीवुड के साथ कंपेयर करेंगे तो नहीं अच्छी नहीं है, लेकिन बॉलीवुड में अच्छी है और विकी कौशल कुछ अलग ट्राई कर रहा है तो वो देखने के लिए मजा आता है। उनकी एक्टिंग पसंद आई और काफी सटल है, बहुत 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 सटल है। भूमि पटनेकर का स्पेशल अपीयरेंस है सो उतना उनको स्क्रीनिंग नहीं है, लेकिन वो गाना भी बहुत अच्छा है चन्ना का। सो कौन सा पार्ट पसंद आया इस फिल्म का? इस फिल्म का छोटा सा सीक्वेंस होता है जब शिप पे एक चल के आता है बंदा, वो बहुत सही सीक्वेंस है, स्पॉइलर नहीं देना चाहता लेकिन वो बहुत सही सीक्वेंस है। आप बताओ उसकी एक्टिंग पसंद है बहुत ज़्यादा। तो 5 में से आप कितना स्टार दोगे इस फिल्म को? 3.5। आप 4। थैंक यू। बहुत अच्छी मूवी थी। आपको अच्छी मूवी थी? खेल रहे थे बट ऐसा कुछ स्केरी इतना नहीं था, बट अच्छा था स्टोरी, अच्छा। जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आपको मिला? हाँ काइंड, हाँ मतलब सही था, बोर नहीं हुआ, दोस्तों के साथ आए थे तो अच्छा ही था। विकी कौशल की परफॉर्मेंस तो अच्छी होती है, मतलब strong emotions, he is one of the best actors who can convey it, so अच्छा था। भूमि पेडनेकर कितनी पसंद आई इस फिल्म में? उसका रोल ज्यादा था नहीं बट ठीक है, जितना था उतना। डायरेक्शन वाइज ये मूवी पसंद आई आपको? हां अच्छा, हां डायरेक्शन। ओके, सो ऑडियंस को कौन सी मूवी ज्यादा पसंद आएगी, भूत या फिर शुभ मंगल ज्यादा सावधान? आज ही रिलीज हुई है, शायद शुभ मंगल ज्यादा सावधान, मतलब अगर उस टाइप का क्राउड हो तो। हां अगर 5 में से कितने स्टार दोगे? 3.5 3.5। So ma'am, how was the movie? The movie was great. It's great to see Bollywood entering the horror genre, and I think it was a good watch. What about the stories and direction? The storyline was, I think, good. They did a pretty decent job, and the direction also was good. What about Vicky Kaushal's performance? Vicky Kaushal's performance was amazing, but I wouldn't say that he should leave other genres to enter horror, like completely horror. Someone just asked me about it. So I think he did a great job. He did what he does best. But yeah, that's about it. Which part do you like the most in horror? I think, horror-wise, I like the scene where the girl vanishes. There is this scene where the girl and the guy are entering the ship. It's called Seabird. They're entering the ship and then the girl just vanishes. That was very scary. And there was this scene where the professor holds something and he starts chanting this mantra of sorts. That was very, very funny. I mean, it was a good shot, but it was just funny for us. What about Bhoomi Padnekar? She was great, but I wanted to see more of her. I mean, there wasn't enough of her in the movie. So, yeah. Out of 5 stars, how much? I'll give it 3.5. Thank you. Okay.
अच्छी मूवी थी, इट्स अ गुड वॉच फॉर एन इंडियन बॉलीवुड हॉरर मूवी, काफी अच्छी थी। स्टोरी कितनी पसंद आई, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आप मिला? स्टोरी काफी अच्छी थी, उसकी थ्रिलर बहुत मोमेंट्स थे, यू वेट फॉर व्हाट्स गोना हैपन, सो इट्स क्वाइट गुड। और विकी कौशल की परफॉर्मेंस कितनी पसंद आई? विकी कौशल की एक्टिंग बहुत अच्छी थी, इट वॉज अ वेरी गुड वॉच। तो 5 में से आप कितने स्टार दें? 4 स्टार्स फॉर अ हॉरर मूवी। थैंक यू। आपने भूत मूवी देखी तो कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी लगी मूवी, मूवी सही में बहुत अच्छी थी, बॉलीवुड के स्टैंडर्ड से तो बहुत ही अच्छी थी। द स्क्रिप्ट वॉज रियली गुड, दे कम्प्लीटेड अ फुल सर्कल एंड लाइक इट वॉज गुड राइटिंग, गुड डायरेक्शन, गुड एक्टिंग फ्रॉम विकी अगेन, लाइक ही वॉज एक्सेप्शनल। जस्ट फ्यू लाइक थिंग्स दैट कुड हैव बीन बेटर, लाइक द एनिमेशन एंड लाइक द पोस्ट प्रोडक्शन स्टफ। And otherwise, it's a very good movie. Okay, first time Vicky Kaushal is exploring the horror genre. So, how was the performance? I was really surprised that, you know, Vicky Kaushal took up such a genre of movies. But, I mean, he did a very good job. And he was amazing. Like actually, I wasn't surprised because I saw him in Uri. And like, you know, all those, this thrilling genre and all those are same. So, I knew he could pull it off. But like, what he did was exceptionally good. And we expect that from Vicky Kaushal. Okay. You know, he's very good. What about Bhoomi Phednekar? She didn't have that much of a part in the movie, but whatever it was very good. Yeah, she did an amazing job. She did a good job. I think all the acting part, like even the supporting actors were very good. But the only thing was that they could have done better with the editing and stuff. You know, we like can't expect to like, but for a Bollywood movie, they went up a notch, definitely. What would you like to say about the background scope and the effect they have given in the movie? No, that is what I said. They could have done better with the editing and the background sound, and could have been better. The background it was good. Could have been better. But could have been better. Like what we expect from Hollywood movies, it was not as good, but could have been better. Like there were like lot of parts in the movie in which the scene could have been like much better with good background audio. The script was really good. But you know, most of the parts the audience end up laughing also. Laughing, yeah. I think it was partly because of the audio. But audio, yeah. But I think it was really good. Good experience. It was still very good. The script was exceptional. Okay, I how much are excited for the second part? Yeah, we were surprised that the second part. Yeah, but I think it will be good again if Vicky is there or any other actor. If the script is good, like all half the part is about the script. Script and audio for a horror movie. Thing that is good, then it's obviously it will be a good movie. Yeah. How much star you like to give out of 5? 3.5, 4. Thanks. ठीक है, बहुत अच्छा है, स्टोरी अच्छा है, वी आर वेटिंग फॉर द सेकंड पार्ट। अच्छा, ये इस पार्ट में कौन सा आपको सबसे ज्यादा पार्ट लगा? जंप स्केयर्स बहुत अच्छे थे, हाफ द टाइम तो मैंने अपनी आंखें बंद ही रखी थी, लेकिन कभी कभी देख रहा था, जंप स्केयर्स मुझे बहुत अच्छे लगे। ओके, सो ये हॉरर फिल्म है, कितनी डरावनी लगी आपको? आउट ऑफ 10 इफ यू आस्क, आई विल रेट इट 8। So, कैसी लगी आपको फिल्म भूत? बहुत अच्छी मूवी, काफी अच्छी थी, काफी अच्छा मतलब हॉरर स्टोरी अच्छा ग्रेड गया था, एकदम ऐसा लग रहा था कि हॉलीवुड जैसा फील आ रहा था, काफी अच्छा हॉरर था मतलब वी एंजॉयड अ लॉट। आपको कैसी लगी? अच्छी थी मैम, काफी स्टोरी बिल्डअप अच्छा था, सीन्स भी अच्छे थे, बढ़िया। सिर्फ मतलब स्टोरी काफ़ी अच्छी, स्टोरी बिल्ड लाइन काफ़ी अच्छी थी, ऐसा कुछ नहीं था कि भाई सिर्फ हॉरर ही क्रिएटेड है, पूरा डिपिक्ट किया था, एक एक सीन को अच्छे से क्रिएटेड किया था, बाकी काफ़ी अच्छी मूवी है, सबको देखना चाहिए। मूवी पेडनेकर और विकी कौशल की परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ, वो कितना पसंद आया आपको इस फिल्म? काफ़ी अच्छा था, विकी कौशल ऑफकोर्स बेस्ट एक्टर है, उरी थी उनकी, काफ़ी अच्छी मूवीज थी, विकी कौशल इज बेस्ट, सुपर एक्टिंग थी उनकी। भूमि पेडनेकर का इतना रोल नहीं था, बट जितना भी था अच्छा था, अच्छी एक्टिंग, नाइस। आपको कितना पसंद आया? बहुत अच्छा था मैम, हम लोग तो विकी के फैन हैं, तो उनकी मूवी तो देखनी होती है, और ये मूवी तो सबको देखनी चाहिए। ओके, अगर बात करूँ इस फिल्म की, तो कौन सा पार्ट आप लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आया? हॉरर सीन्स काफी सारे थे, तो खूब सारे क्लाइमेक्स 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 वाज द बेस्ट। चलिए, ओके, आउट ऑफ 5 स्टार कितने दोगे? 4.5 4.5 4। थैंक यू। कम रोल कम कुछ तो बोलना। हां, ओके सर, आपको मूवी कैसी लगी विकी कौशल की? बहुत अच्छी अच्छी आपको पसंद आई? हाँ, पसंद आई पसंद। अगर उनकी परफॉर्मेंस के बाद में बात करूँ, तो वो कितना पसंद आया? उनके बारे में तो कुछ बोलना ही नहीं है ना, वो बहुत अच्छे है, अच्छा अच्छे एक्टर है, अच्छे एक्टर है। मूवी पढ़ने का कितनी पसंद आई इसमें? तो छोटा ही रोल है ना उनका, तो जितना है उतने में अच्छी है। ओके, आज ही के दिन में शुभ मंगल ज्यादा से आसमान भी रिलीज हो रहा है, सो ऑडियंस को क्या ज्यादा पसंद आएगी, भूत या फिर शुभ मंगल ज्यादा से आसमान? बोला नहीं अभी, अपने पे सब अपने अपने पे। ओके, तो आप 5 में से कितना स्टार देंगे? 4। So, भूत मूवी कैसी लगी विकी कौशल? अच्छी थी, काफी अच्छी थी, नया एक्सपीरियंस था।
आपको कैसे लगी? वैसे तो हमारे कॉलेज का बंदा है इसलिए हम फर्स्ट डे क्वेश्चन देखने आए और स्क्रिप्ट अच्छी थी, नॉर्मल से बहुत ज्यादा अच्छी थी। जो एक्सपेक्ट कर रहे थे इस फिल्म से, अपने एक्सपेक्टेशन पे ये खड़ी हुई थी? हाँ जी, मतलब थोड़ा अलग एक्सपेक्ट कर रहे थे हॉरर जॉनर में, बॉलीवुड में ऐसा बना नहीं है। अच्छा था, स्टोरी टेलिंग अच्छा था। ओके, अगर बात करूँ हॉरर जॉनर की तो कितनी डरावनी लगी आपको? अप टू द मार्क नहीं, लेकिन हाँ कुछ हद तक। नहीं, अगर आप हॉलीवुड के साथ कंपेयर करेंगे तो नहीं अच्छी नहीं है, लेकिन बॉलीवुड में अच्छी है। और विक्की कौशल कुछ अलग ट्राई कर रहा है तो वो देखने के लिए मजा आता है। उनकी एक्टिंग पसंद आई और काफी सटल है, बहुत 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 सटल है। भूमि पटनी का स्पेशल अपीयरेंस है सो उतना उनको स्क्रीनिंग नहीं है, लेकिन वो गाना भी बहुत अच्छा है चन्ना में। तो कौन सा पार्ट पसंद आया इस फिल्म का? इस फिल्म का छोटा सा सीक्वेंस होता है जब शिप पे एक चल के आता है बंदा, वो बहुत सही सीक्वेंस है। स्पॉइलर नहीं देना चाहता, लेकिन वो बहुत सही सीक्वेंस है। उसकी एक्टिंग पसंद है बहुत ज्यादा। तो 5 में से आप कितना स्टार दोगे इस फिल्म को? 3.5। आप 4। थैंक यू। सो मूवी कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी मूवी थी, आपको अच्छी मूवी थी? अगर स्टोरी की बात करूँ वो कितना पसंद आया, कितनी डरावनी लगी? डरावनी नहीं लगी, मतलब बहुत नहीं थी बट अच्छी, मतलब बॉलीवुड के हिसाब से तो अच्छी थी। मतलब ज्यादातर बस रिफ्लेक्सेस पे खेल रहे थे, बट ऐसा कुछ स्केरी इतना नहीं था, बट अच्छा था स्टोरी। अच्छा, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आपसे मिला? हाँ काइंड, हाँ मतलब सही था, बोर नहीं हुआ, दोस्तों के साथ आए थे तो अच्छा ही था। विकी कौशल की परफॉर्मेंस तो अच्छी होती है, मतलब स्ट्रॉन्ग इमोशंस, ही इज वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स हु कैन कन्वे इट, सो अच्छा था। उसका रोल ज्यादा था नहीं बट ठीक है जितना था। डायरेक्शन वाइज ये मूवी पसंद आई आपको? हां डायरेक्शन। ओके, सो ऑडियंस को कौन सी मूवी ज्यादा पसंद आएगी, भूत या फिर शुभमंगल ज्यादा सावधान? आज ही रिलीज हुई है, शायद शुभमंगल ज्यादा सावधान, मतलब अगर उस टाइप का क्राउड हो तो। हां, अगर 5 में से कितने स्टार दोगे? 3.5। 3.5। सो मैम हाउ वाज द मूवी? The movie was great. It's great to see Bollywood entering the horror genre, and I think it was a good watch. What about the stories and directing? The storyline was, I think, good. They did a pretty decent job, and the direction also was good. What about Vicky Kaushal's performance? Vicky Kaushal's performance was amazing, but I wouldn't say that he should leave other genres to enter horror, like completely horror. Someone just asked me about it. So I think he did a great job. He did what he does best. But yeah, that's about it. Which part do you like the most in the movie? I think, horror wise, I like the scene where the girl vanishes. There is this scene where the girl and the guy are entering the ship. It's called Seabird. They're entering the ship and then the girl just vanishes. That was very scary. And there was this scene where the professor holds something and he starts chanting this mantra of sorts. That was very, very funny. It was a good shot, but it was just funny for us. What about Bhoomi Patnaik? She was great, but I wanted to see more of her. I mean, there wasn't enough of her in the movie. So, yeah. Out of 5 stars, I'll give it 3.5. Okay. Achhi movie thi. It's a good watch for an Indian Bollywood horror movie. Kafi achhi thi. Story kitni pasand aayi, jo expect kar rahe the wo aap mila? Story kafi achhi thi. Uski thriller, bahut moments where you wait for what's going to happen, so it's quite good. Aur Vicky Kaushal ki performance kitni pasand aayi? विकी कौशल की एक्टिंग बहुत अच्छी थी, इट वॉज अ वेरी गुड वॉच। 4 stars फॉर हॉरर मूवी। थैंक यू। आपने भूत मूवी देखी तो कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी लगी मूवी, मूवी सही में बहुत अच्छी थी, बॉलीवुड के स्टैंडर्ड से तो बहुत ही अच्छी थी। द स्क्रिप्ट वॉज रियली गुड, दे कम्प्लीटेड अ फुल सर्कल एंड लाइक इट वॉज गुड राइटिंग, गुड डायरेक्शन, गुड एक्टिंग फ्रॉम विकी अगेन, लाइक ही वॉज एक्सेप्शनल। जस्ट फ्यू लाइक थिंग्स दैट कुड हैव बीन बेटर, लाइक द एनिमेशन एंड लाइक द पोस्ट प्रोडक्शन स्टफ। And otherwise, it's a very good movie. Okay, first time Vicky Kaushal is exploring the horror genre. So, how was the performance? I was really surprised that, you know, Vicky Kaushal took up such a genre of movies. But, he did a very good job. And he was amazing. Like actually, I wasn't surprised because I saw him in Uri. And like, you know, all those, this thrilling genre and all those are same. So, I knew he could pull it off. But like, what he did was exceptionally good. And we expect that from Vicky Kaushal. Okay. You know, he's very good. What about Bhoomi Patnaik? She didn't have that much of a part in the movie, but whatever it was very good. Yeah, she did an amazing job. Yeah, she did a good job. I think all the acting part, like even the supporting actors were very good. But the only thing was that they could have done better with the editing and stuff. You know, we like can't expect to do like, but for a Bollywood movie, they went up a notch, definitely. What do you like to say about the background scope and the effect they have given in the movie?
No, that is what I said. Ki they could have done better with the editing and the background sound and could have been better. The background sound could have been better. But could have been better. Like what we expect from Hollywood movies, it was not as good. But could have been better. Like, there were like lot of parts in the movie in which the scene could have been like much better with good background audio. The script was really good. But you know, most of the parts the audience end up laughing also. Laughing, yeah. I think it was partly because of the audio. But audio, yeah. But I think it was really good. Good experience. It was still and very good. The script was exceptional. Okay, I how much are excited for the second part? Yeah, we were surprised the second part. Yeah, but I think it will be good again credits. If Vicky is there or any other actor. Basically, if the script is good, like all, half the part is about the script. Script yeah. and if audio script for and a horror movie. Thing that is good, then it's obviously it will be a good movie. Yeah. How much star you like to give out of 5? 3.5, 4. 4. Thank you so much. कैसी लगी भूत विकी कौशल की? ठीक है, बहुत अच्छा है, स्टोरी अच्छा है. वी आर वेटिंग फॉर द सेकंड पार्ट. अच्छा, ये इस पार्ट में कौन सा आपको सबसे ज्यादा पार्ट ये जंप स्केयर्स बहुत अच्छे थे. हाफ द टाइम तो मैंने अपनी आंखें बंद ही रखी थी, लेकिन कभी कभी देख रहा था, जंप स्केयर्स मुझे बहुत अच्छे लगे. ओके, सो ये हॉरर फिल्म है, कितनी डरावनी लगी आपको? आउट ऑफ 10 इफ यू आस्क, आई विल रेट इट 8. थैंक यू सो मच. रिगार्डिंग भूत, रोलिंग इट, सो कैसी लगी आपको फिल्म भूत? बहुत अच्छी मूवी, काफी अच्छी थी, काफी अच्छा मतलब हॉरर स्टोरी अच्छा ग्रेड गया था. एकदम ऐसा लग रहा था कि हॉलीवुड जैसा फील आ रहा था, काफी अच्छा हॉरर था मतलब. वी एंजॉयड अ लॉट. आपको कैसी लगी? अच्छी थी मैम, काफी स्टोरी बिल्डअप अच्छा था, सीन्स भी अच्छे थे. सिर्फ मतलब स्टोरी काफ़ी अच्छी, स्टोरी बिल्ड लाइन काफ़ी अच्छी थी. ऐसा कुछ नहीं था कि भाई सिर्फ हॉरर ही क्रिएटेड है, पूरा डिपिक किया था, एक एक सीन को अच्छे से क्रिएटेड किया था. बाकी काफ़ी अच्छी मूवी है, सबको देखना चाहिए. मूवी पढ़ने का और विकी कौशल की परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ, वो कितना पसंद आया आपको इस फिल्म? काफ़ी अच्छा था. विकी कौशल ऑफकोर्स बेस्ट एक्टर है, उरी थी उनकी, काफ़ी अच्छी मूवीज थी. विकी कौशल इज बेस्ट, सुपर एक्टिंग थी उनकी. भूमि पेडनेकर का इतना रोल नहीं था, बट जितना भी था अच्छा था. अच्छी एक्टिंग, नाइस. आपको कितना पसंद आया? बहुत अच्छा था मैम. हम लोग तो विकी के फैन हैं, तो उनकी मूवी तो देखनी होती है, और ये मूवी तो सबको देखनी चाहिए. ओके, अगर बात करूँ इस फिल्म की, तो कौन सा पार्ट आप लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आया? हॉरर सीन्स काफी सारे थे, तो खूब सारे क्लाइमेक्स 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 वाज द बेस्ट. चलिए, ओके, आउट ऑफ 5 स्टार कितने दोगे? 4.5. थैंक यू. कम रोल कम उसको देना. हां, सर आपको मूवी कैसी लगी विकी कौशल की? बहुत अच्छी अच्छी. आपको पसंद आई ये? हां, पसंद आई पसंद. अगर उनकी परफॉर्मेंस के बाद में बात करूं, तो वो कितना पसंद आया? के बारे में तो कुछ बोलना ही नहीं है ना, वो बहुत अच्छे अच्छे एक्टर है. अच्छे एक्टर है. मूवी पढ़ने का कितनी पसंद आई इसमें? तो छोटा ही रोल है ना उनका, तो जितना है उतने में अच्छी है. ओके, आज ही के दिन में शुभमंगल ज्यादा सावधान भी रिलीज हो रहा है, सो ऑडियंस को क्या ज्यादा पसंद आएगी, भूत या फिर शुभमंगल ज्यादा सावधान? बोला नहीं अभी, अपने पे सब अपने अपने पे. ओके, सो आप 5 में से कितना स्टार देते हैं? 4. दो मिनट. सो मूवी कैसी लगी विकी कौशल? अच्छी थी, काफ़ी अच्छी थी, नया एक्सपीरियंस था. आपको कैसी लगी? वैसे तो हमारे कॉलेज का बंदा है, इसलिए हम फर्स्ट डे क्वेश्चन देखने आए. ओके, और स्क्रिप्ट अच्छी थी, नॉर्मल से बहुत ज़्यादा अच्छी थी. जो एक्सपेक्ट कर रहे थे इस फिल्म से, अपने एक्सपेक्टेशन पे ये खड़ी उतरी? हाँ जी, मतलब थोड़ा अलग एक्सपेक्ट कर रहे थे हॉरर जॉनर में, बॉलीवुड में ऐसा बना नहीं है. अच्छा था, स्टोरी टेलिंग अच्छा था. लेकिन हाँ कुछ हद तक. नहीं, अगर आप हॉलीवुड के साथ कंपेयर करेंगे तो नहीं अच्छी नहीं है, लेकिन बॉलीवुड में अच्छी है. और विक्की कौशल कुछ अलग ट्राई कर रहा है, तो वो देखने के लिए मजा आता है. उनकी एक्टिंग पसंद आई और काफी सटल है, बहुत 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 सटल है. भूमि पटनेकर का स्पेशल अपीयरेंस है, सो उतना उनको स्क्रीनिंग नहीं है, लेकिन वो गाना भी बहुत अच्छा है चन्ना का. सो कौन सा पार्ट पसंद आया इस फिल्म का? इस फिल्म का छोटा सा सीक्वेंस होता है जब शिप पे एक चल के आता है बंदा, वो बहुत सही सीक्वेंस है. स्पॉइलर नहीं देना चाहता, लेकिन वो बहुत सही सीक्वेंस है. आप बताओ, उसकी एक्टिंग पसंद है बहुत ज़्यादा. 5 में से आप कितना स्टार दोगे इस फिल्म को? 3.5. आप? 4. थैंक यू. बहुत अच्छी मूवी थी. आपको अच्छी मूवी थी? दोस्तों के साथ आए थे तो अच्छा ही था. विकी कौशल की परफॉर्मेंस तो अच्छी होती है, मतलब
strong emotions. He's one of the best actors who can convey it. So, अच्छा था. उसका रोल ज़्यादा था नहीं, but ठीक है जितना था. Direction wise ये movie पसंद आई आपको? हाँ अच्छा. हाँ direction. Okay, so audience को कौन सी movie ज़्यादा पसंद आई, कि भूत या फिर शुभ मंगल ज़्यादा सावधान आज ही release हुई है? शायद शुभ मंगल ज़्यादा सावधान, मतलब अगर उस type का crowd हो तो. हाँ अगर पांच में से कितने star दोगे? 3.5. 3.5. So ma'am, how was the movie? The movie was great. It's great to see Bollywood entering the horror genre, and I think it was a good watch. What about the stories and direction? The storyline was, I think, good. They did a pretty decent job, and the direction also was good. What about Vicky Kaushal's performance? Vicky Kaushal's performance was amazing, but I wouldn't say that he should leave other genres to enter horror, like completely horror. Someone just asked me about it. So I think he did a great job. He did what he does best. But yeah, that's about it. Which part do you like the most in horror? I think, horror-wise, I like the scene where the girl vanishes. There is this scene where the girl and the guy are entering the ship. It's called Seabird. They're entering the ship and then the girl just vanishes. That was very scary. And there was this scene where the professor holds something and he starts chanting this mantra of sorts. That was very, very funny. It was a good shot, but it was just funny for us. What about Bhoomi Padmanabhan? She was great, but I wanted to see more of her. I mean, there wasn't enough of her in the movie. So, yeah. Out of 5 stars, I'll give it 3.5. Thank you. Okay. अच्छी movie थी. It's a good watch for an Indian Bollywood horror movie. काफी अच्छी थी. Story कितनी पसंद आई, जो expect कर रहे थे वो आप मिला. Story काफी अच्छी थी. उसकी thriller बहुत moments थे. You wait for what's going to happen, so it's quite good. और Vicky Kaushal की performance कितनी पसंद? Vicky Kaushal की acting बहुत अच्छी थी. It was a very good watch. So, 5 में से आप कितने स्टार दोगे? 4 stars for a horror movie. Thank you. अच्छा, आपने भूत मूवी देखी तो कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी लगी मूवी. मूवी सही में बहुत अच्छी थी. बॉलीवुड के स्टैंडर्ड से तो बहुत ही अच्छी थी. द स्क्रिप्ट वॉज रियली गुड. दे कम्प्लीटेड अ फुल सर्कल एंड लाइक इट वॉज गुड राइटिंग, गुड डायरेक्शन, गुड एक्टिंग फ्रॉम विकी अगेन. लाइक ही वॉज एक्सेप्शनल. जस्ट फ्यू लाइक थिंग्स दैट कुड हैव बीन बेटर, लाइक द एनिमेशन एंड लाइक द पोस्ट प्रोडक्शन स्टफ. And otherwise, it's a very good movie. Okay, first time Vicky Kaushal is exploring the horror genre. So, how was the performance? I was really surprised that, you know, Vicky Kaushal took up such a genre of movies. But, he did a very good job. And he was amazing. Like I wasn't surprised because I saw him in Uri. And like, you know, all those, this thrilling genre and all those are same. So, I knew he could pull it off. But like, what he did was exceptionally good. And we expect that from Vicky Kaushal. Okay. You know, he's very good. What about Bhoomi Padmanabhan? She didn't have that much of a part in the movie, but whatever it was very good. Yeah, she did an amazing job. She did a good job. I think all the acting part, like even the supporting actors were very good. But the only thing was that they could have done better with the editing and stuff. You know, we like can't expect to like, but for a Bollywood movie, they went up a notch, definitely. What do you like to say about the background scope and the effect they have given in the movie? No, that is what I said. They could have done better with the editing and the background sound, and could have been better. The background it was good. Could have been better. But could have been better. Like what we expect from Hollywood movies, it was not as good, but could have been better. Like there were like lot of parts in the movie in which the scene could have been like much better with good background audio. The script was really good. But you know, most of the parts the audience end up laughing also. Laughing, yeah. I think it was partly because of the audio. But audio, but I think it was really good. Good experience. It was still very good. The script was exceptional. Okay, I how much are excited for the second part? Yeah, we were surprised that the second part. Yeah, but I think it will be good again if Vicky is there or any other actor. If the script is good, like all, half the part is about the script. Script and audio for a horror movie. Thing that is good, then it's obviously it will be a good movie. Yeah. How much star do you like to give out of 5? 3.5, 4. Thank you so much. ठीक है, बहुत अच्छा है. स्टोरी अच्छा है. वी आर वेटिंग फॉर द सेकंड पार्ट. अच्छा, ये इस पार्ट में कौन सा आपको सबसे ज्यादा पार्ट लगा? जंप स्केयर्स बहुत अच्छे थे. हाफ द टाइम तो मैंने अपनी आंखें बंद ही रखी थी, लेकिन कभी कभी देख रहा था. जंप स्केयर्स मुझे बहुत अच्छे लगे. ओके, सो ये हॉरर फिल्म है. कितनी डरावनी लगी आपको? आउट ऑफ 10 इफ यू आस्क, आई विल रेट इट 8. So, कैसी लगी आपको फिल्म भूत? बहुत अच्छी मूवी, काफी अच्छी थी. काफी अच्छा, मतलब हॉरर स्टोरी अच्छा ग्रेड गया था. एकदम ऐसा लग रहा था कि हॉलीवुड जैसा फील आ रहा था. काफी अच्छा हॉरर था, मतलब वी एंजॉयड अ लॉट. आपको कैसी लगी? अच्छी थी मैम, काफी स्टोरी बिल्डअप अच्छा था, सीन्स भी अच्छे थे.
सिर्फ मतलब स्टोरी काफ़ी अच्छी, स्टोरी बिल्ड लाइन काफ़ी अच्छी थी, ऐसा कुछ नहीं था कि भाई सिर्फ हॉरर ही क्रिएटेड है, पूरा डिपिक किया था, एक एक सीन को अच्छे से क्रिएटेड किया था, बाकी काफ़ी अच्छी मूवी है, सबको देखना चाहिए। मूवी पढ़ने का और विकी कौशल की परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ, वो कितना पसंद आया आपको? काफ़ी अच्छा था, विकी कौशल ऑफ कोर्स बेस्ट एक्टर है, उरी थी उनकी, काफ़ी अच्छी मूवीज थी, विकी कौशल इज बेस्ट, सुपर एक्टिंग थी उनकी। भूमि पेडनेकर का इतना रोल नहीं था, बट जितना भी था अच्छा था, अच्छी एक्टिंग, नाइस। आपको कितना पसंद आया? बहुत अच्छा था मैम। हम लोग तो विकी के फैन हैं, तो उनकी मूवी तो देखनी होती है, और ये मूवी तो सबको देखनी चाहिए। ओके, अगर बात करूँ इस फिल्म की, तो कौन सा पार्ट आप लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आया? हॉरर सीन्स काफी सारे थे, तो खूब सारे क्लाइमैक्स 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 वाज द बेस्ट। चलिए, ओके, आउट ऑफ 5 स्टार कितने दोगे? 4.5 4.5 4। थैंक यू। कम हां, रोल कम उसको देना। हां, ओके, तो सर आपको मूवी कैसी लगी विकी कौशल की? बहुत अच्छी है। अच्छी आपको पसंद आई? हाँ, पसंद आई, पसंद। अगर उनकी परफॉर्मेंस के बाद में बात करूँ, तो वो कितना पसंद आया? के बारे में तो कुछ बोलना ही नहीं है ना, वो बहुत अच्छे अच्छा अच्छे एक्टर है। अच्छा एक्टर है। कितनी पसंद आई इसमें? तो छोटा ही रोल है ना उनका, तो जितना है उतने में अच्छी है। ओके, आज ही के दिन में शुभ मंगल ज्यादा सावधान भी रिलीज हो रहा है, सो ऑडियंस को क्या ज्यादा पसंद आएगी, भूत या फिर शुभ मंगल ज्यादा सावधान? बोला नहीं अभी, अपने पे सब अपने अपने पे। ओके, तो आप 5 में से कितना स्टार देंगे? 4। So, भूत मूवी कैसी लगी विकी कौशल? अच्छी थी, काफी अच्छी थी, नया एक्सपीरियंस था। आपको कैसी लगी? वैसे तो हमारे कॉलेज का बंदा है, इसलिए हम फर्स्ट डे क्वेश्चन देखने आए। ओके, और स्क्रिप्ट अच्छी थी, नॉर्मल से बहुत ज्यादा अच्छी थी। जो एक्सपेक्ट कर रहे थे इस फिल्म से, अपने एक्सपेक्टेशन पे ये खड़ी हुई थी? हाँ जी, मतलब थोड़ा अलग एक्सपेक्ट कर रहे थे, हॉरर जॉनर में, बॉलीवुड में ऐसा बना नहीं है। अच्छा था, स्टोरी टेलिंग अच्छा था। ओके, अगर बात करूँ हॉरर जॉनर की, तो कितनी डरावनी लगी आपको? अप टू द मार्क नहीं, लेकिन हाँ कुछ हद तक। नहीं, अगर आप हॉलीवुड के साथ कंपेयर करेंगे तो नहीं अच्छी नहीं है, लेकिन बॉलीवुड में अच्छी है, और विक्की कौशल कुछ अलग ट्राई कर रहा है, तो वो देखने के लिए मजा आता है। उनकी एक्टिंग पसंद आई और काफी सटल है, बहुत 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 सटल है। भूमि पटनेकर का स्पेशल अपीयरेंस है, सो उतना उनको स्क्रीनिंग नहीं है, लेकिन वो गाना भी बहुत अच्छा है चन्ना का। सो कौन सा पार्ट पसंद आया इस फिल्म का? इस फिल्म का छोटा सा सीक्वेंस होता है जब शिप पे एक चल के आता है बंदा, वो बहुत सही सीक्वेंस है, स्पॉइलर नहीं देना चाहता, लेकिन वो बहुत सही सीक्वेंस है। आप बताओ, उसकी एक्टिंग पसंद है बहुत ज्यादा। तो 5 में से आप कितना स्टार दोगे इस फिल्म को? 3.5। आप 4। थैंक यू। सो फिल्म कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी मूवी थी। आपको अच्छी मूवी थी? बोर नहीं हुआ, दोस्तों के साथ आए थे तो अच्छा ही था। विकी कौशल की परफॉर्मेंस तो अच्छी होती है, मतलब strong emotions, he is one of the best actors who can convey it, so अच्छा था। भूमि पेडनेकर कितनी पसंद आई इस फिल्म में? उसका रोल ज्यादा था नहीं, बट ठीक है जितना था उतना। डायरेक्शन वाइज ये मूवी पसंद आई आपको? हां, डायरेक्शन। ओके, सो ऑडियंस को कौन सी मूवी ज्यादा पसंद आई, कि भूत या फिर शुभ मंगल ज्यादा सावधान? आज ही रिलीज हुई है, शायद शुभ मंगल ज्यादा सावधान, मतलब अगर उस टाइप का क्राउड हो तो। हां, अगर 5 में से कितने स्टार दोगे? 3.5। 3.5। So ma'am, how was the movie? The movie was great. It's great to see Bollywood entering the horror genre, and I think it was a good watch. What about the stories and direction? The storyline was, I think, good. They did a pretty decent job, and the direction also was good. What about Vicky Kaushal's performance? Vicky Kaushal's performance was amazing, but I wouldn't say that he should leave other genres to enter horror, like completely horror. Someone just asked me about it. So I think he did a great job. He did what he does best. But yeah, that's about it. Which part do you like the most in the movie? I think, horror wise, I like the scene where the girl vanishes. There is this scene where the girl and the guy are entering the ship. It's called Seabird. They're entering the ship and then the girl just vanishes. That was very scary. And there was this scene where the professor holds something and he starts chanting this mantra of sorts. That was very, very funny. I mean, it was a good shot, but it was just funny for us. What about Bhoomi Padnekar? She was great, but I wanted to see more of her. I mean, there wasn't enough of her in the movie. So, yeah. Out of 5 stars, how much? I'll give it 3.5. Thank you. Okay.
अच्छी मूवी थी, इट्स अ गुड वॉच फॉर एन इंडियन बॉलीवुड हॉरर मूवी, काफ़ी अच्छी थी। स्टोरी कितनी पसंद आई, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आप मिला? स्टोरी काफ़ी अच्छी थी, उसकी थ्रिलर बहुत मोमेंट्स थे, वे यू वेट फॉर व्हाट्स गोइंग टू हैपन, सो इट्स क्वाइट गुड। और विकी कौशल की परफॉर्मेंस कितनी पसंद आई? विकी कौशल की एक्टिंग बहुत अच्छी थी, इट वॉज अ वेरी गुड वॉच। आप कितने स्टार दे? 4 stars फॉर अ हॉरर मूवी। थैंक यू। आपने भूत मूवी देखी तो कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी लगी मूवी, मूवी सही में बहुत अच्छी थी, बॉलीवुड के स्टैंडर्ड से तो बहुत ही अच्छी थी। द स्क्रिप्ट वॉज रियली गुड, दे कम्प्लीटेड अ फुल सर्कल एंड लाइक इट वॉज गुड राइटिंग, गुड डायरेक्शन, गुड एक्टिंग फ्रॉम विकी अगेन, लाइक ही वॉज एक्सेप्शनल। जस्ट फ्यू लाइक थिंग्स दैट कुड हैव बीन बेटर, लाइक द एनिमेशन एंड लाइक द पोस्ट प्रोडक्शन स्टफ, एंड अदरवाइज अ वेरी गुड मूवी। ओके, फर्स्ट टाइम विकी कौशल इज एक्सप्लोरिंग द हॉरर जॉनर, सो हाउ वाज द परफॉर्मेंस? आई वॉज रियली सरप्राइज दैट यू नो विकी कौशल टुक अप सच अ जॉनर ऑफ मूवीज, but I mean he did a very good job and he was amazing, like actually I wasn't surprised because I saw him in Uri and like you know all those this thrilling genre and all those are same, so I knew he could pull it off, but like what he did was exceptionally good and we expect that from Vicky Kaushal. Okay. You know he's very good. What about Bhoomi Pednekar? She didn't have that much of a part in the movie, but whatever it was very good. She did a good job. I think all the acting part, like even the supporting actors were very good. But the only thing was that they could have done better with the editing and stuff, you know, we like can't expect to do, like, but for a Bollywood movie they went up a notch, definitely. What do you like to say about the background scope and the effect they have given in the movie? No, that is what I said. They could have done better with the editing and the background sound, and could have been better. The background score could have been better. But could have been better, like what we expect from Hollywood movies, it was not as good. But could have been better. Like there were like lot of parts in the movie in which the scene could have been like much better with good background audio. The script was really good. But you know, most of the parts the audience end up laughing also. Yeah. I think it was partly because of the audio. But audio, yeah. But I think it was really good. Good experience. It was still very good. The script was exceptional. Okay, I how much are excited for the second part? Yeah, we were surprised the second part. Yeah, but I think it will be good again credits. If Vicky is there or any other actor. Basically, if the script is good, like all half the part is about the script. Script yeah. and if audio script for and a horror movie. Thing that is good, then it's obviously it will be a good movie. How much star you like to give out of 5? 3.5, 4. 4. Thank you. Thank you so much.